सर यही वाला सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर्स। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। अच्छा देखो, मैं एक एक करके पढ़ता जाता हूँ एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है। सो इट सेज अज्यूम यू हैव अ प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग भी आज स्टार्ट कर दूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किसने की? जूम हो गया। ओके, मैंने की है। हाँ, जूम हो गया बेटा, बिल्कुल। हाँ आई जी थिंक सर। इट इज विजिबल टू मी, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबडी। सो इट सेज अज्यूम यू हैव अ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सो दिस डिमांड, दिस इज योर एनुअल डिमांड। ठीक है, दिस इज योर एनुअल डिमांड। थोड़ा सा ऊपर बेटा, एनुअल डिमांड थोड़ा सा ऊपर, एनुअल डिमांड पे, एनुअल डिमांड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर, बस 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 बस, देन वी विल गो डाउन जैसे जैसे होगा। ठीक है, सो एनुअल डिमांड इज 360। अब इसकी एनुअल डिमांड इज 360। होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर इज वन वन रुपी और $1 पर यूनिट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100। सो इट्स इज फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज ईओक्यू, राइट? सो ईओक्यू का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। ईओक्यू का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो 2 इनटू एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी होगी? 360, सर 260 सर। 360। सो 2 इनटू 360 इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर है, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 100, राइट? 100। सो 360 इनटू 100, दैट मेक्स इट 36,000, 36,000। हाँ राइट? डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज दैट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 1। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 36,000। सर अंडर रूट ऑफ 72,000 होगा ना। टू इंटू सर थर्टी टू सिक्स थाउजेंड टू सॉरी, मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 72,000, सॉरी, सेवेंटी टू टू होगा। टू मल्टीप्लाई रह गया, राइट? ठीक है, टू इंटू 360 इंटू 100, सो अंडर रूट ऑफ 72,000। अब अंडर रूट ऑफ 72,000 कितना आ रहा है? सर टू सिक्सटी एट अप्रॉक्सीमेटली। 68 268.8 आएगा, अप्रॉक्स करेंगे तो 269 बोल सकते हैं। ठीक है, so everybody is getting 268 point something, and if you are rounding it off, so you are rounding it off to 269. ठीक है, is that fine? yes ठीक है, so it is लोग राउंड ऑफ। हाँ, so now if you've got this right, right, अगर आपको इतना right, if you've got this right and you have not even, if you have rounded out rounded it off to 269, perfectly fine. If you have written 268.8 something, that is perfectly right. So you in both the scenarios from exam context you get 100% marks. Sir, can't we keep it 268 like? See, जब rounding off करते हैं ना, when rounding off, it's a general principle. When you actually round off, 0.5 के नीचे जो होता है दैट गेट्स राउंडेड ऑफ टू द लोअर फिगर, एंड 0.5 के ऊपर जो होता है दैट गेट्स राउंडेड ऑफ टू द हायर फिगर। तो ये 0.8 आ रहा है, सो इट विल गेट राउंडेड ऑफ टू द हायर फिगर। तो 0.3 आ रहा है सर, 0.32 आ रहा है लास्ट में, 268.32 आ रहा है। मेरे को 0.8 किसी ने बताया, मैंने इसलिए बोला। एनीवेज, सो इफ यू हैव एक्चुअली राउंड, यू आर राउंडिंग इट ऑफ, 0.5 से कम हो तो राउंड इट ऑफ इट टू द लोअर डिजिट, एंड इफ इट इज मोर देन 0.5 यू कैन राउंड इट अप टू द हायर डिजिट। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1। ईओ क्यू निकालना है ना, तो 2 इंटू 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1। तो अंडर रूट में डेसिमल्स की आप बात कर रहे हो, 268 पॉइंट जो आ रहा है, अगर डेसिमल्स में लिखना है तो यू कैन राइट इट टिल अबाउट 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट? हाँ जी रुचि, कुछ कहना चाह रहे हो? आपने अनम्यूट किया? नहीं सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ प्रसन्ना बताओ। सर जैसे अभी ईएक्यू निकाल रहे हैं तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि जैसे एक कांस्टेंट डिमांड रहता है तभी ये फॉलो होता है, लेकिन सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना इन जनरल लाइफ में कि कांस्टेंट डिमांड भी रहे और कांस्टेंट उसका क्या कहते हैं अमाउंट भी रहे जो हम खरीदते हैं, वो भी ऊपर नीचे होता रहता है।
और डिमांड भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो सर वहां पे ये जाके फेल हो जाएगा शायद, मेरे को लगता है ये। नहीं फेल नहीं होगा, उसके लिए ना इसी के मॉडिफिकेशंस हैं। इन दैट केस यू एक्चुअली डोंट इक्वेट योर होल्डिंग कॉस्ट टू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन यू एक्चुअली लुक एट द टोटल कॉस्ट एंड देन इट बिकम्स टू डिफरेंट सिनेरियोस। सपोज मैं इसलिए अभी उन मॉडल्स में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे, बट एक्चुअली देर आर डिफरेंट मॉडल्स हु व्हिच डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके सो सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मेरे को कोई बोले कि अब अगर एक पैकेट खरीद रहे हो सो वी विल चार्ज यू 100 रुपीज, अगर आप मुझसे 100 पैकेट खरीदते हो तो आई कैन चार्ज यू 75 रुपीज। रियल लाइफ सिचुएशन है ना, ऐसे ही होता है, ज्यादा खरीदोगे तो सस्ता पड़ता है ना। सो देन इन दैट सिनेरियो वी एक्चुअली लुक एट टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट वॉज वॉट, टोटल कॉस्ट वॉज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो फॉर फर्स्ट सिनेरियो where it says that one box is for 100 rupees, we see our total cost. And when there are 75 boxes, then we see our total cost. Wherever our total cost is coming minimal, we go with that scenario. समझ में आया क्या कहा मैंने प्रसन्ना? Yes sir, ये general मतलब एक normal के लिए सही है, लेकिन अगर इससे भी मतलब advance है ना sir, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत advance है, इससे बहुत बहुत एडवांस है। अभी तो यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड यू आर स्टार्टिंग विद इट ना, सो बाकी इसके ज्यादा एडवांस मॉडल्स बहुत ज्यादा हैं, देयर आर लॉट ऑफ एडवांस मॉडल्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ईओक्यू मॉडल। ओके सर, एक्चुअली जो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो चेंज आ रहा है 268 की जगह पर, जो रुचि बोल रही थी एक्चुअली जब हम रूट 5 की वैल्यू 2.238 लेते हैं तब आएगा, बट अगर हम उसको राउंड ऑफ करके 2.24 लेते हैं तो हमारे को 268.8 आता है। तो मतलब सर कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो आंसर लाया है। कौन सी मेथड से निकाला है अंडर रूट को, कैसे सॉल्व किया? मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, और आई गेस सारे मेथड से वही आने वाला है, सेम आने वाला है। तुम्हें याद करने की जरूरत है, 1 टू 10 अपने रूट याद कर लो ना, रूट 3 याद कर लो, रूट 4 5 याद कर लो, डायरेक्टली हो जाएगा। एनीवेज सर एग्जाम्स में कैलकुलेटर की हेल्प मिलेगी हमें या फिर सर हमें ऐसी कॉल सॉल्व करना पड़ेगा? मैं कह रहा था कि यू विल गेट अ कैलकुलेटर ड्यूरिंग एग्जाम आल्सो इन रियल लाइफ आल्सो, आपको कैलकुलेटर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर, थैंक यू सर, मोबाइल वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। यू कैन बाय अ स्मॉल सेपरेट 100 रुपीस का जो कैलकुलेटर आता है, सिंपल सा। एक्सक्यूज मी सर, जी मोबाइल कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड, मतलब मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है वो अलाउड नहीं होगा। यू हैव टू कैरी अ सेपरेट कैलकुलेटर, मे बी दैट्स सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मतलब यू कैन कैरी इट। बॉटम लाइन इज यू गेट अ कैलकुलेटर एंड वट एवर कैलकुलेटर इज अवेलेबल टू यू, यू कैन यूज इट एक्सेप्ट फॉर मोबाइल्स। ठीक है, चलता है देन तो अंडर सर कैलकुलेशन तो मेनली बस आपके सब्जेक्ट में और बायोस्टैट्स में यूज होगी ना? हाँ, इन फर्स्ट ईयर यस, फर्स्ट ईयर दैट विल बी द केस आई थिंक, मे बी प्रीता मैम के उसमें भी हो सकती है। प्रीता मैम का मतलब जो आपका एक है शायद बेसिक्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी करके कोई है, एपिडेमियोलॉजी का तो है सर कुछ, हाँ शायद उसमें भी होगा थोड़ा। So maybe it will be in that also. But these are basic level calculations. इसमें मतलब कोई बहुत high funda integration, calculus, trigonometry वो सब नहीं लग रहा। These are just basic calculations, 2+2 and things like that. So apart from that, मतलब वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, board mass से ज़्यादा नहीं होगा यार। It will not be more than board mass in any subject for that matter. ठीक है? EOQ clear हुआ? First question? उट क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर। ठीक है,
what is the expected time between orders, right? So how many orders? How many orders means you A by, मतलब A means annual demand divided by your Q, right? Q. So, so you had, your annual demand is 360. Yes, sir. So 360 divided by your 268. So you'll get 1 point something. 1.34, sir, order per year. So you'll have to place 1.3 orders per year. Effectively, it means that you are placing either one order or two orders, right? In this scenario, a order you place karna padega, and you will be placing two orders. Again, these are basic EOQ models, so isme probably decimals aa rahe hain. If we actually use integer programming or goal programming, हमारे को decimals भी नहीं मिलेंगे, but वो हम second year में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ समझने की बात है. So 1.34 orders, right? Everybody is getting that? Yes, sir. So it will be 360 divided by 268, right? अच्छा, अब इसका second part क्या है? What is the expected time between orders? Expected time between orders, sir. कितना 300 डे वर्क ईयर है, राइट? सो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. यस सर. 300 डिवाइडेड बाय 1.34, सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3.8 So 300 divided by your number of orders, which was 1.3 something. So you get your expected days between order. So jo bhi ab aapka aa raha hai na, 200 something days. So that effectively you will be placing order after every 200 odd days. Jo bhi wo figure aa rahi hai, 200 something. Right? Part B clear? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Part C. Part C is what is the total cost. So part C is what is the total cost of the inventory, right? अब इसमें inventory value की बात नहीं हो रही. So plus इसमें cost per unit दी भी नहीं हुई है, right? So we are not talking about inventory value per se. What we are talking about is the total cost. So total cost was equal to what? Holding cost plus ordering cost. होल्डिंग कॉस्ट क्या था? होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट वाइज Q बाय 2 इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट. सर 100 प्लस 1. हां एक मिनट सुनो. तो होल्डिंग कॉस्ट क्या है? Q बाय 2 इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट. सो दैट मेक्स इट 268 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1, बिकॉज़ होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 1, राइट? So 268 divided by 2 is how much? 134. 134 plus 4. Okay, 134. Now, the magic is that you have calculated it on EOQ basis, right? EOQ you have calculated. So what was EOQ ki hamari derivation? That holding cost is equal to ordering cost. Aise hai na? Yes, sir. Yes, so, if you have actually calculated your holding cost as 134, aapki ordering cost bhi approximately 134 hi aayegi. 1.34 orders the. That's right. Yes, sir. Into 100 is your cost per order. Yes, sir. So, wo bhi 134 hai. So, it effectively is 134 plus 134. So, it is 268. Yes, sir. Right. So the total. मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जब EOQ डिराइव किया था, हमने डिराइव इस बेसिस पे किया था कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू माय होल्डिंग कॉस्ट. इसी बेसिस पे मैंने डिराइव किया था. तो अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहा हूँ, होल्डिंग कॉस्ट मेरी कितनी है? Q by 2 into holding cost per unit. यहाँ पे मेरा Q निकल के आया है 268. So 268 divided by 2 into 1. So that makes it 134, right? Now I actually have to add ordering cost to this. This was holding cost. So if I calculate ordering cost would be number of orders into cost per order. Number of orders was
एनुअल डिमांड बाय क्यू राइट विच यू कैलकुलेटेड यू जस्ट कैलकुलेटेड दैट एज जो आपने बी पार्ट में हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 1.34 राइट तो 1.34 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इनटू माय कॉस्ट पर ऑर्डर व्हिच इज 100 आई अगेन गेट 134 यस सर यस राइट सो माय टोटल कॉस्ट इज 134 प्लस 134 व्हिच इज 268 सो माय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज 268 गलती हो गई ठीक है सी पार्ट हो गया यस सर नेक्स्ट क्या है डी मेरे को डी नहीं दिख रहा थोड़ा सा ऊपर ले लो प्लीज वो दिख नहीं रहा सर हाँ बताओ आशीष को ऐड कर लो आशीष को मैंने ऐड किया उसके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है वो एडमिटिंग आ रहा था अब तो खैर एडमिट हो गया वो आशीष इज हियर नाउ ठीक है So, yeah, assume that the demand was actually higher than estimated. So, ab annual demand change ho gayi hai, right? 500 units instead of 360 units. What would be the total, what will be the actual annual total cost? You have to rework this very fast then, right? Formulas sare wahi hai. The only thing now you are doing is, aapko Q wapis calculate karna padega. Theek hai? So now it will be under root of 2 into 500 yes, into 100 into 100 500 right so it will be how much 316.22 yes sir divided by 1 wo sahi hai to 2 into 500 into 100 so that makes it 316.22 sir under root 1 lakh is equal to 316.22 yes under root 1 lakh which is equal to 3 kitna nikla 316 yes sir theek hai to ab aapko naya q mil gaya hai you have actually got a new q with you right you have to total cost now with new q 314 3 कितना आया था 316 ठीक है तो टोटल कॉस्ट अब 316 ही आनी चाहिए कितनी आ रही है कॉस्ट इज 150 316 ही आनी चाहिए जितना ये निकल के आया ना क्यों उतनी होनी चाहिए हां सर व्हाटएवर क्यू यू गॉट दैट वुड बी द टोटल कॉस्ट का रीजन है वैसे तो सर एक्चुअल एनुअल कॉस्ट बोला है ना उसने सर 316 ही आ रही है एक्चुअल एनुअल टोटल कॉस्ट ही आया ना एक्चुअल एनुअल टोटल कॉस्ट हां वो 316 ही आएगी उसका रीजन है ना देखो अगेन यू हैव गॉट अ न्यू क्यू एज 31 समथिंग जो भी 316 जो भी आई वो आई आपकी तो अगर मैं होल्ड अभी मैंने जो आपको बताया अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूं तो Q बाई 2 इंटू 1 होगी राइट Q बाई 2 इंटू 1 मीन्स 316 डिवाइडेड बाई 2 राइट लेकिन सेम ही होल्डिंग कॉस्ट भी होगी सो इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है सेम ही है ना होल्डिंग कॉस्ट भी तो सेम ही निकल के आएगी बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट वॉज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना तो इसका आंसर 316 ही आएगा जो भी आपका क्यू निकल के आएगा वही टोटल एनुअल कॉस्ट भी होगी ऐसे ही निकल के आ रहा है यस सर ठीक है एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस एक्सक्यूज मी सर सर इफ होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट सो व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग इट विद द टू सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट Both the figures will be equal. So, both the figures will be equal. So, 2 plus 2 is how much? 4. 2 multiplied by 2 is how much? 4, sir.
because of this reason, right? So either I add it or I multiply it by 2, I'll get the same figure. Okay, okay, sir. Okay. ठीक है, सो नाउ डी इज डन. ई ई वहीं पे आंसर है, कौन बता? 45. जी ई का कौन बताएगा वहीं पे उसका आंसर? 45 है. 45 आ गया सबका? कैसे बता दो मेरे को कोई. हाँ जी सर. How did it come as 45? Anybody? Which is explain? 15 into 3. ROP is equal to sir demand of item per day into lead time. So it will come 3 into 15 is equal to 45. Perfect. Okay. So we are consuming 3 units per day. 15 days is the lead time. Demand per day multiplied 3 into 15 is 45. So my reorder point is 45. Okay. Hanji Akanksha. Clear? Clear with all the answers? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sure. So it's the same concepts. The only thing is uski application karni hoti hai. So you'll just have to apply. And yes, it is a matter of practice also. The more you practice, the easier you'll start finding it. Right? So jitne zyada questions honge, utte zyada mere khayal se aasani rahegi. Kal humne EOQ ke aur questions kar liye the na class mein. Wo do teen jo the. Yes, sir. Yes, sir. Ek kiya tha, baaki homework diya tha aapne. Correct. होमवर्क तो मैं देते ही नहीं, होमवर्क कहाँ दिया था? नहीं सर, दिया था. होमवर्क दिया था मैंने. आपने बोला था बाकी करते हैं. मैंने आज तक होमवर्क नहीं दिया है सब. सर इसके और क्वेश्चन मिल जाएंगे. ओके. प्रैक्टिस के लिए. बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, I'll strongly suggest that googling it and try to get as many questions as possible out of Google. If you actually find that there is something amiss which you would like to discuss in class, we can always do that. ठीक है? चलेगा ऐसे? सर ये तो basic questions हो गए सर, लेकिन अगर मान लो इसी EOP पर advanced questions अगर हमें मिल गए तो, या फिर advanced question भी अगर हमारे syllabus में है इसके. Excuse me sir, sorry to interrupt. Sir Ashish add नहीं हो पा रहा है. What I'll suggest is, सुनो, व्हाट आई सजेस्ट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आशीष का ना कुछ नेट इशू हो रहा है. आशीष का ना एडमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है बार-बार. सो आई एम एडमिटिंग हिम अगेन एंड अगेन जस्ट एंड ही सब नॉट अबाउट, मतलब लॉगिन कर नहीं पा रहा है बेसिकली. मैंने कोशिश तो की है, लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, आशीष को बोलो लॉग आउट करना फिर लॉग इन करो इसमें. कर चुका है मेरे ख्याल से. एनीवेज मैं ये कह रहा था कि पहले तो ना सबसे पहले मैं भी शेयर करूंगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से तुम्हें कि हम किस लेवल तक की क्वेश्चंस लेते हैं. आइडियली स्पीकिंग वी हैव नेवर गॉन, मतलब फॉर फर्स्ट ईयर्स वी हैव नेवर गॉन बियॉन्ड द बेसिक. कभी भी बेसिक हम गए नहीं है. द ओनली थिंग इज कि हाँ मे बी एक आध बैच के साथ मैंने क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल करवा लिया था, तो आई डिड क्वांटिटी. सर वॉइस इज ब्रेकिंग. एक मॉडल के ही होंगे. अब बेटर? नहीं better? Yes sir. Yes sir. Okay now. Yes, sir. Sir, can I stop sharing the screen now? Ha, please do that. Please do that.
we'll do that. Okay, so hum basic EOQ models super bhi gaye apart from one time we actually did quantity discount model. So agar quantity discount model humne kiya to maybe we go till that about, lekin mere ko my suggestion was ki previous year question papers agar hain to dekh lo, agar nahi hai to I'll share it in due course of time. Abhi hum hain 3-4 hafte hum saath hain, so in due course of time I'll probably share all the previous year's questions as well, right? Lekin main ye cha raha tha basically, maine isliye nahi share kiye, I'll tell you why I didn't share it because once you see the whole question paper, आप जब पूरा question paper देखते हो तो आप कि अरे ये भी है, so then you start procrastinating. So I was thinking कि 3-4 unit हो जाएंगे, तब मैं वो question papers भी share करूँगा, तब मैं assignments जो करने होंगे वो भी idea. So, sir, आप practice questions हमें दे दो, हम practice question करेंगे. Because sir, personally if I'm talking about myself, तो मुझे थोड़ा सा issue हो रहा है. But अगर हम practice करेंगे as you said, तो शायद ठीक हो जाएगा. Am I back in? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो दूंगा ही, असाइनमेंट्स भी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगा, आई विल गिव देम, बट एट एन ऑपर्चून मोमेंट. अभी कितने दिन हुए हैं, चौथा दिन है आज, है ना, चौथे दिन ही अगर दे दूंगा और अकाउंटिंग का क्वेश्चन देखा तो फिर डर बैठना शुरू हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि डर ना बैठे. तो अगर पूरा क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यू विल फील कि अरे ये भी करना है. सो देन क्या कहते हैं, द फियर स्टार्ट सेटिंग इन. So I don't want you to be fearful. I just want you to take small baby steps, right? Small baby steps. And then probably once you're done with 3-4 units, and then you actually see a question paper, you would say, "Acha, mere ko ye bhi aata hai. Mujhe ye bhi aata hai. So I hope you're getting the difference between ki mujhe ye bhi karna hai ki jagah. The difference would be mujhe ye bhi aata hai. So that would be a much more comforting situation, hai na? So that is the only idea. So one, let us go through 3-4 units and then I'll start sharing the previous year question papers, the assignments, and you'll be comfortable that way, right? So that is the idea. I don't want to bombard you with questions ki acha humne ek unit kar liya, ye log 100 question and karo. So we'll take it slow and steady, ho jayega, right? Abhi tak हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, जो किया पहले तो ये चीज बताओ, उसमें डाउट है कोई अभी अपार्ट फ्रॉम दिस? पक्का सर, असाइनमेंट्स आप जो भी दोगे सर लास्ट वीक में देना सर, एकदम सर बीच का 2 वीक्स तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ाओ, लास्ट वीक में देना असाइनमेंट. हाँ मैं यार ये चीज ना मतलब गट फीलिंग पे देता हूँ, गट फीलिंग मतलब इफ आई सी लॉट ऑफ कंफर्टेबल फेसेस आउट देयर and I feel that most of you can do it, I'll give it, right? If I see a lot of nervous faces out there and I still feel that there is a lot of fear out there, so I withhold it. So main wo gut feeling pe dunga, main matlab I'll like ki at least 90% of the class comfortable ho, right? And I'll probably give it over a weekend, so I'll probably give it on Friday or something like that, so that you can work on Saturday and Sunday, and Monday we can start with the doubts. Right, so that would be the idea. Generally, ये idea है कि थोड़ा सा comfort level बढ़ाते हैं, एक दो हफ्ते units करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके weekend to weekend हम करने की कोशिश करते हैं, right? So that is the idea. मतलब मैं generally एक idea बता रहा हूँ, बाकी मैं दूंगा gut feeling के हिसाब से. When I see lot of comfortable faces, I'll give it. Anyway, now right now we are at unit 7, right? अब मैं unit 7 में अभी तक हमने क्या क्या किया है, मैं 5 minutes में brief overview करता हूँ. And then we will go to the inventory. वो क्या करना था हमें, methods of pricing of inventory हमने कल start किया था ना briefly, so we'll actually come to that then. So अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, देखो हमने start किया था inventory से, हमने बोला inventory जो है that is a stock of goods which has certain economic value, right? Now we know that this is a stock of goods with certain economic value, so we are concerned about this stock of goods from managerial perspectives, right?
So once we are bothered about it from managerial perspectives, we would like to control it, we would like to use it efficiently. And so, but physically, it is not possible to go and check the inventory, 100% inventory every day. That is not at all possible, right? You'll not be able to do anything else. So then what do? So what we did was we actually came, we went to Pareto, right? Pareto said, 20% of the things, if you try to control them, you actually get your 80% of the things right, right? So we went to Pareto and we started with analysis. ABC analysis told us that A items is of 80% value and 20%, these are 20% items, right? So we saw ABC analysis. We saw that there is something called as XYZ analysis, right? Which is almost similar to your ABC analysis. Then we came to VED analysis. VED analysis was from the point of view of your operations, which item is vital, which item is essential, which item is desirable, right? And then I told you that every analysis can be used in isolation, but it is always better to use two analyses together. I gave you a case study also in which ABC and VED were used together, right? So if suppose it's an A item and which also falls in your V category, so that means it's vital, it's high in value, you have to be more careful, right? Similarly, we went to other analysis where it was FSN, fast moving, slow moving, no moving, where we were bothered more about fast moving. We were then there was SDE analysis, which is scarcely, this was on the procurement basis, scarcely available, difficult to obtain, easily available. So when it is easily available, we do not bother so much. When it is scarcely available, we have to bother, right? And again, if I use two analysis together, it is scarcely available also and vital also. It becomes ultra important for me, right? So then, so it was like VED, FSN, SDE. Then we came to JIT. JIT was just-in-time model. There we understood in certain industries, they are actually much bothered about holding cost, right? So they would not like to hold anything. They would like to order on a day-to-day basis, right? And I told you it came from Toyota. It was actually an automotive automobile industry method, right? So we understood that, okay, there is something called as ordering cost, there's something called as holding cost, right? We established the relationship. We established the relationship that holding cost would be inversely proportional to your holding cost boli, ordering cost boli. Jo bhi boli uska holding cost. Holding cost is your inversely proportional to your ordering cost, right? So we plotted that graph. Once we plotted that graph, we saw ki total cost mein to dono cost involved hoti hain. And the least cost which I'm getting is at the optimal order point, right? So then I got interested in that optimal order point. Ki mereko apna total cost sabse kam rakhna hai, right? So I got interested in that queue. Once I got interested in that queue, we actually came to economic order quantity. Right, we derived it, and economic order quantity came to under root of 2 into annual demand into cost per order divided by holding cost per unit. I gave you one slide where most of the basic EOQ formulas were given. So you have that slide with you, right? Jisme aapka reorder point ka hai, demand per day ka hai, number of orders hai, wo sare formulas ek hi slide pe likhe hue hain. So you already have that slide with you. We did few practice questions of EOQ, right? अभी तक हमने इतना कर लिया है. अब हमें करना है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इन्वेंट्री, दैट फ्लो चार्ट विच वी एक्चुअली सॉ, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट. एंड इन टुडेज क्लास फाइल्स, इफ यू एक्चुअली लुक, आई हैव अपलोडेड द पीपीटी. देखो दिख रहा है, आज डे 4 के उसमें अपलोडेड होगा. यस इट इज इनफैक्ट मुझे नहीं दिख रहा लेकिन मैंने कल अपलोड कर दिया था. आई एक्चुअली अपलोडेड इट. बाकी बच्चों को दिख रहा है? यस सर, इट इज विजिबल. ओके ठीक है. आज रीमा वेट कर रही है, आशीष एडमिट नहीं हो पाया है, एडमिट ऑल मैंने कर दिया. मुझे क्यों नहीं दिख रहा आज इसमें? एनीवेज, आकांक्षा शेयर कर पाओगी ये पीपीटी? हाँ जी सर, ऑयल का है.
So basically what happens is that it's inventory. Sir, is it visible? Now it's visible. Yes. Okay. Right. So see what happens is inventory is a very dynamic process. Dynamic समझते हो मतलब कुछ चीजें आती रहेंगी कुछ चीजें जाती रहेंगी right? That is the purpose of inventory, that it has to be working. Few things will come in, few things will go out, right? And this is a continuous process. It's a dynamic and a continuous process. This will keep on happening. Few things will come in, few things will go out, right? Audible, clear हूँ ना मैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ 5 मिनट आप ढंग से सुनो. Yes sir. Okay. So it's a dynamic process, it's a continuous process. So few things will always land up in your inventory and few things will always go out of your inventory, right? Since it's a dynamic continuous process, you're actually bothered about 3 things at any given point of time. What you're bothered about is, what is the inventory value I'm holding? Mere paas jo inventory padi hui hai uski value kitni hai, right? So that is one thing. The second is, whatever I have sent out, right? Whatever I've sent out, वो कितनी वैल्यू का था राइट सो वॉट एवर केम इन इट वॉज देयर विद यू यू सेंट आउट समथिंग सो वॉट रिमेन्स विद यू वॉट वैल्यू इज दैट एंड वॉट यू हैव सेंट आउट वॉट वैल्यू इज दैट राइट सो दीज आर द टू थिंग्स प्राइमरली यू आर बॉदर्ड अबाउट एंड इट विल बी वेरी गुड टू नो वॉट इज द प्रॉफिट यू अर्नड ऑन वॉट वेंट आउट ऐसा भी हो सकता है सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है जनरली कि हर गुड से आपने प्रॉफिट कमाया बट जनरली गुड्स इंडस्ट्री या कहीं पे भी जब इन्वेंट्री बाहर जाती है तो ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो इट विल बी गुड टू नो कि मैंने जो बाहर भेजा उससे मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ भी कि नहीं हुआ राइट सो 3 things वॉट इज वॉट इन्वेंट्री वैल्यू आर यू होल्डिंग वॉट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स which actually went out and profit if any, right? And it is written in green there. See, CGS is cost of goods sold. CGS likha hai na? The first term likha hai, CGS likha hai. That is cost of goods sold, right? Jo maine bahar bheja, uski kya cost thi, right? Second, gross profit. Gross profit means जो बाहर सामान गया उससे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया नाउ आई बीन टेलिंग यू अगेन टाइम एंड अगेन दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस राइट आई बीन टेलिंग यू सो प्राइस इज व्हाट यू सोल्ड एट एंड कॉस्ट इज व्हाट यू प्रोक्योर्ड एट ठीक है प्लीज समझने की कोशिश करना कॉस्ट है जो आपने इनकर किया है व्हाट यू प्रोक्योर्ड इट एट एंड प्राइस इज व्हाट यू सोल्ड इट एट राइट सो जितने पे आपने बेचा वो प्राइस है जितने पे आपने खरीदा वो कॉस्ट है राइट प्रॉफिट कैसे निकलेगा सिंपल इंट्यूटिव कॉमन सेंस एसपी माइनस सी नहीं माइनस कर दो प्राइस माइनस कॉस्ट हाँ ठीक है ना सो आपने जितने पे बेचा उससे माइनस कर दो अपनी कॉस्ट को यू विल गेट योर प्रॉफिट राइट सिंपल कॉमन सेंस राइट प्राइस माइनस कॉस्ट will give you your profit whatever you sold it at minus what you actually bought it for will give you your profit so the second one is this gross profit right agar suppose aapko price na bhi pata ho aisa bahut sari situations mein hota hai ki inventory management bilkul separate chal rahi hoti hai aur aapko nahi pata hota ki aapke goods kitne price pe bike it can happen right if suppose that is the case Because ऐसा होता है and that can be the case. The only thing you will not be able to calculate would be your profit. Other 2 things which I told you can still calculate that. You can still calculate how much is your inventory value. You can still calculate how much did the मतलब what was the cost of goods sold. Cost of goods sold means जो आपने inventory out की है उसका cost कितना था. That you can still कि कितने टेल ओके सो अगर प्राइस नहीं पता है प्रॉफिट नहीं बता पाओगे ये चीज याद रखना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में प्राइस नहीं दी होती है देन सडनली यू फील कि हम ये कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं है इफ सपोज प्राइस इज नॉट गिवन प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेल व्हाट इज योर इन्वेंटरी वैल्यू
एंड यू कैन ऑलवेज टेल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अच्छा थर्ड थिंग जो मैं तीसरी चीज बोला था, सो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज एंडिंग इन्वेंट्री. एंडिंग इन्वेंट्री इज द इन्वेंट्री विच यू आर होल्डिंग, उसकी वैल्यू, द एंडिंग बैलेंस शीट इन्वेंट्री, द वैल्यू ऑफ दैट, राइट. सो यू आर एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग, दीज थ्री थिंग्स, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस. वन फाइन डे सडनली, एंड ऑडिटिंग इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस, राइट. ऑडिटिंग साल में एक दो बार होती रहती है, फिजिकल ऑडिटिंग, राइट. सो वन फाइन डे समबडी माइट लैंड अप एंड आस्क यू कि भाई व्हाट इज द इन्वेंट्री वैल्यू यू आर होल्डिंग, एंड यू विल हैव टू टेल दैट. पहली चीज. द सेकेंड थिंग, इट हैज टू मैच विद योर इन्वेंट्री, बिकॉज इफ सपोज देर इज एनी मिसमैच, दैट मीन्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसकी. दैट मीन्स चोरी हो गई है, हो सकता है, हो सकता है खराब हो गई थी या फेंक दिया आपने और आपने उसको अपने इन्वेंट्री में दिखाया नहीं. इट कुड बी लाइक दैट. सो बट the ideal situation is your inventory value has to match with your physical inventory value as well. matlab physically gin ke bhi us value pe le sakte ho. ye to hui why we are doing this, right, and what we want to actually get out of it. we want to get out these, we want to take out these three figures, right. yahan tak kisi ko confusion, kyunki uske baad hum ye 20 slide pe jayenge. koi confusion? haan ji. So can you explain CGS please again? So CGS is cost of goods sold, right? So inventory came in, I have that as my balance inventory with me as of now. Then inventory went out. So whatever went out must be carrying some cost. I must have procured that thing at some cost. So when it went out, I have to subtract that cost from my inventory value. अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा था, मेरे पास 100 रुपए का सामान था, मैंने कुछ सामान उठा के बाहर दे दिया, right? बेच दिया, दे दिया, and things like that. So I should know that it was of how much worth, so that I can subtract it from 100 rupees. So suppose if it was of 10 rupees, so my cost of goods sold is 10 rupees. And what remains with me is my ending inventory. Ending inventory would be 90 rupees. Right? So 100 rupees worth of things came in. 10 rupees worth things went out, which is these 10 rupees which went out is your cost of goods sold. And this 90 rupees which remains with me is my ending inventory. Right? And since I procured it for 10 rupees, I might not have sold this at 10 rupees. I might have sold it for 15 rupees. If suppose I sold it for 15 rupees, my gross profit would be 15 minus 10, 5 rupees. Right? Clear? सर इट मींस कि जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए का मतलब सामान जो खरीदा था उसमें से ठीक है 10 उसमें 10 रुपए का आपने बेच दिया और वो 10 रुपए का आपने 15 में बेच दिया तो 5 रुपए का आपका प्रॉफिट है, यही समझाना चाह रहा हूँ ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या हो गया 5 सर हमारी ओवरऑल इन्वेंटरी में से तो हमारा सामान कम हो गया ना टोटल. ओवरऑल इन्वेंटरी में यही एग्जांपल को अगर मैं क्या कहते हैं इन तीन पे अप्लाई करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10 रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 रुपीज एंड माई एंडिंग इन्वेंटरी वुड बी 90 रुपीज, है ना. हाँ जी सर. सर एक चीज, हाँ जी प्लीज. जो इन्वेंटरी आई वो उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट थी, फिर वो सोल्ड आउट हुई तो उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट थी, जो हमारा जो रह जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा प्रॉफिट, उसे हम प्रॉफिट भी तो कह सकते हैं. कौन सा जो रह जाएगा, एंडिंग इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं सर, जो सोल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ एक कॉस्ट भी तो आएगी, तो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस वो जो एक्स्ट्रा होगा वही तो डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट है या लॉस. वही तो मैं कह रहा था कि प्राइस माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट. तो मेरे पास 100 रुपए की इन्वेंट्री अंदर आई, 10 रुपए की मैंने बाहर निकाली, तो मेरे पास 90 रुपए की इन्वेंट्री बची. ये जो मैंने 10 रुपए की बाहर निकाली, वट एवर आई एक्चुअली द इन्वेंट्री विच वेंट आउट, द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री वॉज 10 रुपीज, आई माइट हैव सोल्ड इट फॉर 15 रुपीज. इफ आई सोल्ड इट फॉर 15 रुपीज, माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 10, gross profit is 5, ending inventory is 90, right? yes sir. अच्छा अब सर एक बार ये ending inventory दोबारा बताना, सर ये एक बार आप ending inventory और सर ये
आपने ना सर एक बार आपने बोला कि हमने 100 रुपीज की इन्वेंटरी खरीदी और उसके बाद हमने उसको 10 रुपीज पे 10 रुपीज की वो वैल्यू थी बट हमने बेचा उसको 15 पे राइट बिल्कुल हाँ, तो उसमें 5 हमारा प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज ठीक है लेकिन ये जो आपने 100 रुपीज बोला मीन्स हमारे पास आइटम्स और भी ज्यादा है ना मीन्स आपने एक आइटम को सेल आउट किया है ना अभी हाँ वो तो हो सकता है ना मतलब ऑब्वियसली मतलब अब उसमें यूनिट्स अगर डालने हैं सो यू कैन ऑलवेज से दैट क्या कहते हैं एवरी आइटम कॉस्ट मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल फिगर्स अभी बोल रहा हूँ कि एवरी आइटम कॉस्ट 10 रुपीज सपोज कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम इज 10 रुपीज सो दैट मीन्स अगर आपने 100 रुपीज का खरीदा तो आपके पास 10 यूनिट्स आए सो और आपने 1 यूनिट निकाला तभी आपने 10 रुपीज का निकाला है ना सो यू हैड 10 यूनिट्स विच वर कमिंग इन which were the cost of which was 100 rupees so every unit was costing me 10 rupees and once I sold one unit 10 rupee worth ye mukesh ka phone hai ek minute haan ji mukesh sir ek student ka call aaya use aap add nahi kar rahe ho yaar maine add kar diya use ashish ki baat kar raha hai na ha ashish ka admitting aa raha hai uske uska net problem aa raha hai मुकेश भाई मैं आपको प्रेजेंटर बना दूं तो आप ऐड कर लोगे देख लोगे एक सेकंड सर बनाइए मैं ज्वाइन हो रहा हूं दोबारा ज्वाइन हो जाए उसको एडमिट कर दे उसका एडमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है बड़ी देर से देख रहा हूं मैं सर एक बार मुझे बनाइए मैं ज्वाइन हुआ हूं दोबारा मेरे को सुबह सुबह वो दिखा भी था यार स्पेसशिप में बैठा हुआ था भाई हमारा पता नहीं कहाँ उड़ गया ऐसा कैसे हो गया तुम भी एडमिट नहीं हो पा रहे अब तो एडमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है देख मेरे पास अब आशीष भी एडमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है और तुम भी एडमिटिंग लिखे हुए आ रहे हो मेरी क्लास तो ठीक चल रही है कहीं से भी हो जा या उसको भी बोल दे कैलेंडर से ज्वाइन होने के लिए मेरे ख्याल से हाँ तुम तो आ गए अंदर नहीं है रुक जा एक मिनट नहीं आ रहा भाई मेरे पास भी शो हो रहा है वेटिंग इन लॉबी मैं क्लिक करके देखूं नहीं हो रहा सर मुकेश तुम आए हो अंदर ये बताओ मेरे को मुकेश हाँ सर आ गया ना रुक जा मैं तेरे को प्रेजेंटर बना देता हूँ वो आशीष को या तो कैलेंडर से ही बोल ले यू आर अ प्रेजेंटर नाउ और देख ले हाँ आशीष आ गया आशीष आया क्या यस सर क्या हो गया था भाई सर पता नहीं सर ऐड ही नहीं हो रहा मोबाइल से भी लैपटॉप से दोनों से करके देख लिया सर तेरे एडमिट पे क्लिक कर दिया यार मैं यही मुकेश को कह रहा था मैंने कहा स्पेसशिप पे बैठा हुआ था आशीष भाई उड़ गया लगता है आज पता नहीं बैकग्राउंड चेंज कर भाई उड़ गया सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों एक ही चीज होती है क्या नहीं क्यों ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट इसके ऊपर टैक्सेशन लगेगी तीन चीजें लगती है ग्रॉस प्रॉफिट पे there are three things which are applicable on gross profit. क्या बताओ पहली चीज तो लगेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने खर्चा कितना किया राइट सो दैट विल बी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड द सेकेंड वुड बी योर डेप्रिसिएशन आप अगर कोई मशीनरी वगैरह कुछ यूज कर रहे हो तो उसकी एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट मतलब कि सपोज आपने MRI का एक मशीन लिया हुआ है आप MRI के पैसे तो जमा करते जा रहे हो लेकिन MRI की तो एक लाइफ है ना 5 साल चलेगी मशीन 10 साल चलेगी सो डेप्रिसिएशन उसकी एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है क्योंकि 5 साल बाद जब MRI खराब होगी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा राइट सो दैट विल बी डेप्रिसिएशन सो डेप्रिसिएशन ऑल्सो गेट सब्ट्रैक्टेड सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस MRI क्या होता है एक एक्सरे की मशीन होती है यार उसका एक्चुअली फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ओके एक्सरे की मशीन होती है बहुत एक्सपेंसिव आती है 50-60 लाख रुपए की मशीन है वो राइट लेकिन ये है कि
पाँच छः साल चलती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो आपको रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। खैर एनी वेज वो भी हम करेंगे यार, वो भी करेंगे। ये ऋषभ अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, बट ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, MRI नहीं पूछा था सर मैंने। हाँ बट ठीक है, एक मिनट जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट होल्ड करना। हाँ ऋषभ, हम लोग को पहले का क्लियर नहीं हुआ तो हमारे भी पे आ गया। अरे नहीं यार, ये यहाँ पे देख सामने लिखा हुआ है CGS का ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस है या नहीं, मैं अपने बस यही पूछा था सर से। फिर से बोलो ना सर को दोबारा समझा। हाँ बताएं अभी सर, बताएं दोबारा से, दोबारा एक बार समझा दे तो शायद क्लियर हो जाएगा। हाँ दोबारा भी समझाता हूँ, क्लियर होना बहुत जरूरी है। अनम्यूट कर लो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वो ये रिभा ने ऑन किया हुआ था ना अपना, इसलिए अब आ रही होगी। देखो आ रही है ना? यस सर, यस। पक्का क्लियर, लाउड एंड क्लियर? तो पहले ऋषभ का सवाल था, फिर से इसको मैं फटाफट रिपीट करूंगा। ऋषभ का सवाल जो था कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आपका मोटा मोटा प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे, आपकी डेप्रिसिएशन माइनस होगी, आपके टैक्सेस माइनस होंगे। सो gross profit would be you'll have to subtract your operating expenses, you'll have to subtract your depreciation, you'll have to subtract your taxation if any, and then you get your net profit. So pehle aapko apna operating expenses usse minus karne hai, secondly fir usme depreciation cost inbuilt karni hai, fir uske baad sarkar ko tax dena hai, fir jo aapke paas bachega wo net profit bachega. Theek hai Rishabh? Okay. So gross profit, yes, sir, clear, net profit mein clear. Okay. और अब इसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, देखो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम स्पीड में भी चल सकते हैं, बट ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो आई हैव रिसीव्ड 10 यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज ईच टुडे, राइट? आई हैव रिसीव्ड दैट, सो माय टोटल इन्वेंटरी वैल्यू इज 100 रुपीज। 10 यूनिट्स, टोटल वैल्यू 100 रुपीज। 1 यूनिट गोज आउट, when one unit goes out, right? So my it costed me 10 rupees. So the cost of goods sold, so it costed me 10 rupees. So the cost of goods sold, right, became 10. Mera pehla jo figure hai, pehla green figure jo hai, cost of goods sold. So cost of goods sold became 10. Kyunki maine ek unit nikala, to mera 10 rupees ka cost ka unit nikal gaya. I might have sold it for higher price. Price is what I sold it at. I might have sold it for 15 rupees. If I sold it for 15 rupees, I procured it for 10 rupees. So I sold at a price of 15. I procured it at a cost of 10. So my profit is price minus cost, 15 minus 10. So 5 rupees. So this is my second green terminology, gross profit. So my gross profit is 5 rupees, right? 15 minus 10. And since one unit went out, I'm holding 9 units with me now. So 9 units, and every unit is costing me 10 rupees. So it is 90 rupees. So my ending inventory is 9 units, each valued at 10 rupees. And the total inventory value is 90 rupees. Hua clear? Ya phir se? Bolo. No, sir. क्लियर है ना? अब लेकिन इसमें होता क्या? सर एक बार बता दीजिए, सर एक बार दोबारा से बता दो। आशीष ठीक है, बता दो सर। सर आप ना सुनो सर, सर मैं बताऊं सर, आप ना इंग्लिश में छोड़ो, जैसा आपने एग्जांपल लेके बताया था ना कि 100 रुपए का मैंने ये खरीदा और फिर ये करा, वैसे कराओगे सर ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। चलो वैसे समझा देता हूँ, फिर से करते हैं, ठीक है? मैं इन्वेंट्री मैनेजर हूँ, मैंने इन्वेंट्री अपने पास, पहली चीज़ तो ये है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर पूरे साल में मेरे पास कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ जाता रहेगा, राइट? तो मेरे को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता होना चाहिए कितने का सामान है और कितना सामान मेरा निकल गया, मेरे पास कितना सामान आया था, कितना निकला, कितने का सामान मेरे पास है, ये मेरे को पता होना चाहिए, राइट? So this is why we are actually doing this, right? अब मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, मेरे पास 100 रुपए का सामान आया, 10
चीज थी उसमें, मतलब देवर 10 यूनिट्स, 10 यूनिट थे और 100 रुपए उसके टोटल वैल्यू थी, हर यूनिट 10 रुपए की थी, मेरे पास 100 रुपए का सामान है, 10 यूनिट्स है, राइट। अब मेरी इन्वेंट्री ये हो गई, ये मेरे पास आ गया 10 यूनिट्स, हर यूनिट 10 रुपए का और 100 रुपए का टोटल सामान, राइट। इसमें से एक यूनिट मैंने बाहर निकाल दिया, अपनी इन्वेंट्री से बाहर निकाल दिया, राइट। तो जब मैंने इन्वेंट्री से बाहर निकाला तो मेरे को इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 10 रुपए। है ना, तो 10 यूनिट आए थे, 100 रुपए के थे, हर यूनिट 10 रुपए का था, एक यूनिट बाहर गया। तो अब मैं इसकी अभी प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब ये एक यूनिट बाहर गया तो 10 रुपए का था, 10 रुपए का बाहर गया, अब मेरे पास बचे 9 यूनिट। तो पहली चीज तो है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये सोल्ड किया था तभी बाहर गया ना, तो ये बाहर गया तो ये कितने का था, 10 रुपए का। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10 रुपीज। आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस। अब सपोज ये मैंने अंजलि शर्मा वेटिंग इन लॉबी, सपोज ये मैंने 10 रुपए का सामान लिया था लेकिन 15 रुपए का बेचा, राइट। सो इफ आई एक्चुअली सोल्ड इट फॉर 15 रुपीज, तो 10 का खरीदा था, 15 का बेचा, तो 15 - 10, 5 रुपीज बिकेम माई ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सो ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे जो लिखी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज 5 रुपीज, बट फॉर दिस, फॉर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट आई नीड टू नो प्राइस। अगर मुझे प्राइस नहीं पता तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बता पाऊंगा, राइट। तो अब वो एक यूनिट गया बाहर, 15 रुपए का बिका, 5 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मेरे पास बचा कितना, मेरे पास 9 यूनिट्स बचे, ठीक है। हर की प्राइस 10 रुपए है, 90 रुपए का सामान है, मेरे पास 90 रुपए का सामान बचा और 9 यूनिट बचे, राइट। वो मेरी एंडिंग इन्वेंट्री है, क्लियर हुआ, क्लियर नहीं आशीष, स्पेशली फॉर यू आशीष, समझ में आया, यस सर, होगा सर, ओके ना। तो ये तीन चीजों के बारे में हम बॉदर करते हैं, लेकिन अब ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज समझाई कि ये ऐसा होता कैसे है, ये मतलब हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बट देर आर वेरी डिफरेंट टेक्निक्स टू डू दिस, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू डू दिस, राइट। एंड दोज टेक्निक्स वर गिवन इन दैट चार्ट, जो आपके चार्ट में था। क्या होता है, सामान आता है, इट इज देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो समटाइम्स द कॉस्ट चेंज, समटाइम्स प्राइसेस चेंज, राइट। इसलिए वो सारे मेथड्स हैं, तो क्या कहते हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं उसमें बताओ, समबडी रीड इट आउट। एक तो मेरे ख्याल से लीफो फीफो वाला कौन सा है, मतलब आप इसको जितने का सामान आ रहा है आप उतने का ही अकाउंट कर रहे हो, जितने का जा रहा है उतने का ही अकाउंट कर रहे हो, राइट। देन दिस कॉस्ट विच इज इनकरिंग टू यू दिस चेंजेस ऑल्सो, राइट। तो एक उसमें होगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट मेथड, नेक्स्ट वुड बी एवरेज कॉस्ट मेथड, इसी में ऐसे ही है ना, सो एवरेज कॉस्ट में, हाँ, सो एक्चुअल प्राइस में जितने का आया हमने उतने का ही उसको कॉस्ट किया या उतने का ही प्राइस किया। एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या है कि, एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल वंस द स्लाइड इज अप, एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या है, यू रिसीव इट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, यू रिसीव इट एट डिफरेंट कॉस्ट्स, so you average it to one cost, right? अभी हम वो भी देखेंगे, लेकिन ये समझने की कोशिश करो, एक था actual price method, एक है average price method, फिर उसके बाद होगा मेरे ख्याल से inflation adjusted, standard price method, market price method, replacement price method. और रिप्लेसमेंट प्राइस में। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये यही कहना चाह रहा है कि हम इन्वेंट्री की कॉस्टिंग के हिसाब से अलग अलग मेथड्स यूज करना चाहते हैं।
अब इसमें जो ये एक्चुअल प्राइस मेथड है, इसमें दो दो दिए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। हम उसकी वर्किंग देखेंगे यहाँ पे इन स्लाइड्स में, जो मैंने इतनी देर से समझाया होगा यही, लेकिन अलग अलग टेक्निक से होगा, राइट। और हम एक एवरेज कॉस्ट मेथड देखेंगे, राइट। व्हाट आई जस्ट टोल्ड इन द लास्ट 15-20 मिनट्स, एग्जैक्टली द सेम थिंग विल हैपन। द ओनली थिंग इज इट विल हैपन विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। जस्ट टेक इट ऑन द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट स्लाइड जो हम बेस स्लाइड पे कर रहे थे ना, आकांक्षा फर्स्ट स्लाइड पे ले जाओ प्लीज। ये हो रहा है। सो ऑगस्ट 1st यू हैव एन, इसको कहीं लिखना चाहो लिख लो फ्रेश पेज पे, पीपीटी खोल के अगर समझ में आ रहा हो पीपीटी खोल लो, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस विल आई शो यू दैट हाउ दिस हैपेंस इफ यू आर इफ यू आर यूजिंग फीफो, हाउ दिस विल हैपन इफ यू आर यूजिंग लीफो। लीफो फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO is last in first out and then average costing methods. मैं इसी scenario को पहले first in first out पे run करूंगा, फिर इसी scenario को मैं last in first out पे run करूंगा, फिर इसी scenario को मैं average cost method पे run करूंगा, right? इस scenario को समझने की कोशिश करो। August 1st को we have got, and this is for one particular product, एक particular product है जिसकी अगस्त 1st को हमारे पास इन्वेंट्री थी 10 यूनिट्स एट द रेट 91। ऑन अगस्त 1st वी हैड 10 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट विच वर कॉस्टेड एट 91। तो इसकी कॉस्ट मेरे को 91 पड़ रही थी एंड एट द एंड ऑफ अगस्त 1st माय इन्वेंट्री वैल्यू वाज 910, राइट। सिनेरियो अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए सिनेरियो समझने की प्लीज कोशिश करना, ठीक है। August 3rd, 17 or 28th, you made an addition to this inventory. Purchased means you made an addition. आपने और ये units खरीदे, right? August 3rd को आपने 15 units खरीदे, जिसकी cost 106 थी. August 17 को आपने 20 units खरीदे, जिसकी cost 115 थी. August 28 को आपने 10 units खरीदे, जिसकी cost 119 थी. 115 थी, 119 थी, राइट। ये आपके इन्वेंटरी में ऐड हुए। लेकिन सॉरी बोलो ये जो कॉस्ट है 106 और ये एक एक यूनिट की है ना या टोटल यूनिट की है? एक यूनिट, एक यूनिट। टोटल बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, देखो मल्टीप्लाई, ये एट द रेट को अगर आप मल्टीप्लिकेशन साइन से भी रिप्लेस कर दोगे तो 10 इंटू 91 910, 15 इंटू 106 1590, 20 into 115, ये तो टोटल भी लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। बट ये एक एक यूनिट की है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ऑन अगस्त 14, मतलब आपने आपके पास अगस्त 1st को कुछ सामान था, अगस्त 3rd को कुछ सामान आया, अगस्त 14 यू एक्चुअली मेड अ सेल, राइट, एंड यू मेड अनदर सेल ऑन अगस्त 31st। You made this sale at particular prices. ये जो 130 और 150 है ना, ये price है. So you made this sale at 130 and at 150. On August 14, you made a sale of 20 units, and on August 31, you made a sale of 23 units. Right? Scenario clear हुआ? First August को हमारे पास सामान था, 3 को और आया, 17 को और आया, 28 को और आया, और हमने जो सेल की थी, हमने अगस्त 14 को सेल की है और अगस्त 31 को सेल की है। सो इफेक्टिवली अगस्त 1st, अगस्त 3rd को आपने सामान रिसीव किया, अगस्त 14 को आपने सामान एग्जिट किया, अगस्त 17 और 28 को अगेन आपने सामान रिसीव किया एंड अगस्त 31 यू अगेन मेड अ सेल। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब ये जो और प्राइस है ना, ये कहीं पे लिख लो प्लीज, ठीक है। यहाँ अपने पास स्लाइड खोल के रखना, यही बेस स्लाइड है, इसी से चलेगी सारी कहानी आगे। तो वी विल एक्चुअली, आई विल नॉट बी एबल टू मूव इट, आकांक्षा भी मूव करना पड़ेगा। थर्ड स्लाइड पे ले जाओ बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखते हैं।
आकांक्षा थर्ड स्लाइड बेटा हाँ ठीक है मैंने कर दिया हाँ ठीक है थैंक यू ठीक है सो ऑगस्ट 1st यू हैड 10 यूनिट्स एट 91 रुपीज ईच The inventory value was 910. On August 3rd, you purchased additional 15 units and they were costed at 106. So the total cost for these 15 units were 1590. The total cost is 1590 plus 910. August 1st ke units or August 3rd ke units ka maine add kiya. So the total cost is 2500. So my inventory balance is of 25 units and the inventory value is 2500, right? On August 14, the company sold 20 units. Company ne 20 units sold. This is first in, first out. First in kaun sa hua tha? Which was first in? August 1st hi tha, pakka? August 1st. हाँ सो फर्स्ट इन वॉज ऑगस्ट 1st आपका पहले सामान जो आया था वो ऑगस्ट 1st को आया था सो फर्स्ट इन वॉज ऑगस्ट 1st सो दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड राइट सो व्हेन यू आर एक्चुअली सेलिंग 20 यूनिट्स यू विल हैव सर गायब हो गए आप वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर आप गायब हो गए मैं वापस आ गया ना आया नहीं आया आ गए सर आ गए आवाज आ गई सर आपकी आवाज आ गई ठीक है तो मैं ये कह रहा था कि सो आई टेक 10 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 1st बिकॉज इट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो मैं फर्स्ट इन जो हुआ था उसी को फर्स्ट आउट कर रहा हूँ सो मैंने 10 यूनिट्स लिया ऑगस्ट 1st से रिमेनिंग कितने बचे क्योंकि 20 यूनिट्स मैंने सोल्ड किए थे 10 यूनिट्स बचे आई स्टिल रिक्वायर 10 मोर यूनिट्स राइट सो आई टेक दोस 10 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 3rd व्हाट इज लेफ्ट विद मी वुड बी 5 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 3rd ऐसे ही होगा यस सर ऐसे ही होगा ना क्योंकि मेरे को मैंने 20 यूनिट्स आउट किए तो मैंने 10 यूनिट्स ले लिया ऑगस्ट 1st से 10 यूनिट्स ले लिया ऑगस्ट 3rd से अब मेरे को 5 यूनिट ऑगस्ट 3rd वाले बचे हैं राइट नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जैक्टली यही दिखाया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड अगर लेंगे हम तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो एग्जैक्टली यही सर अभी आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का बताया ना कि आपने बोला कि फर्स्ट इन फर्स्ट इन में 10 लिया और फर्स्ट आउट में हमने कितना किया था 20 किया था ना तो फर्स्ट अगर अच्छा ओके फर्स्ट आपने मतलब 1 और 3 का दोनों का कंबाइन लिया है राइट अगर मेरे पास 10 यूनिट्स हां तो दोनों का सही कह रही हो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 10 यूनिट्स से कम मेरी सेल होती है सपोज राइट तो मेरा ऑगस्ट 1st से ही काम चल जाता ज्यादा सेल हुई है इसलिए मेरे को ऑगस्ट 3rd भी कंसिडर करना पड़ा फर्स्ट फर्स्ट मैं सबसे पहले लूंगा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इन होगा वो लूंगा अगर सपोज मेरे पास 10 यूनिट से कम की ही सेल होती है तो मैं सिर्फ ऑगस्ट 1st का ही कंसीडर करता फर्स्ट का ही लेते यस ओके तो इसलिए इसमें 5 हमें बचा है हेलो 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 खुशबू ओके तो मतलब बाकी को भी समझ में आ गया होगा ना तो यही है ना 10-15 अगर हमने प्लस किया तो 20 हमने उसमें से माइनस किया तो 5 बचा हमारे पास इन्वेंटरी में यही वाला सर बता रहे थे ना अभी बिल्कुल मैं यही बता रहा था आवाज आ गई मेरी आइए सर सर आप 5 चले जाते बीच बीच में अरे वो पता नहीं दो एक्चुअली देयर आर टू वाईफाई कनेक्शंस इन माय हाउस इट कीप्स स्विचिंग बिटवीन वाईफाई कनेक्शंस
तो वो एक कनेक्शन से जब दूसरे कनेक्शन पर स्विच करता है ना, वो अपने आप ही करता है, इट्स नॉट मी. सो व्हेन इट एक्चुअली स्विचेस बिटवीन कनेक्शंस दिस हैपेंस. एनीवेज जो भी है, सो आई एम बैक. हैं सर क्या बंगलो कहते हैं? बंगलो कहते हैं सर, जबरदस्त. हां सर, गरीब खाना कहते हैं, गरीब खाना. एनीवेज ये सब डिस्कशन नहीं, डिस्कशन इस पे करना है हमें. सो ऑगस्ट 1st एंड ऑगस्ट 3rd को इन हुआ, ऑगस्ट 14 को आउट हुआ. अब ये समझने की कोशिश करो, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. सो विच एवर केम इन फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट. सो 10 यूनिट्स ऑफ ऑगस्ट 1st दिल बी आउट फर्स्ट, राइट? सो 10 एट द रेट 91 वर आउट फर्स्ट. देन वी टुक ऑगस्ट 3 यूनिट्स. ऑगस्ट 3 के हमने यूनिट्स इसलिए लिए क्योंकि हमारे 10 यूनिट्स ऑगस्ट 1st के एग्जॉस्ट हो गए थे. अगर वो नहीं हुआ होता, मतलब यहाँ 10 यूनिट से कम की मेरी सेल हुई होती या मैंने ऑगस्ट 1st को ज्यादा प्रोक्योर किया होता, तो मैं ऑगस्ट 1st को ही कंसिडर करता. द ओनली थिंग इज आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑगस्ट 1st. सो दैट इज व्हाई आई कंसिडर ऑगस्ट 3rd. सो ऑगस्ट 3rd से मैंने 10 और लिए. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग विद मी इज 5 यूनिट्स ऑफ ऑगस्ट 3rd व्हिच वर प्राइस्ड एट 106, राइट? सो माय इन्वेंटरी बैलेंस नाउ इज 5 × 106 कितना हुआ? 530. मैंने आपको बोला हम तीन चीजों के बारे में बॉदर्ड होंगे, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंटरी बैलेंस एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट मैं आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, बट नाउ माय इन्वेंटरी बैलेंस इज 530 व्हिच इज फ्रॉम ऑगस्ट 3rd, 5 यूनिट्स एट द रेट 106. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 1st which is 91, right? So 10 × 91 is 910. 10 units from August 3rd. So 10 × 106 is 1060. 10 × 106 is 1060. I simply add these. 15 क्या बेटा? चल एक बार दोबारा रिपीट कर. दोबारा बता रहा हूँ मैं. वो कोई टेंशन नहीं. तो 15 दे रखे हैं ना? सर, आई हैव अ डाउट. हाँ बोलो. सर, यू लाइक इन द प्रीवियस राइट यू सेड दैट ओनली 5 वर लेफ्ट, राइट? दे सोल्ड आउट 20 यूनिट्स ओनली ऑन 3rd, 5 वर लेफ्ट. सो हाउ कम यू आर एडिंग 10 ऑन ऑगस्ट 14? यू शुड ऐड 5, राइट? आई एम गेटिंग 5 वर लेफ्ट ना. You are saying 5 are left. Haan, right? Haan, yeah. So see under inventory balance, what is the balance now? On August 14, what is the balance under inventory balance in rupee terms? 530? Yes. 530 is the balance. So yes. How did we get this 530? It was actually 5 × 106. August 3rd, what is the cost of the unit? 106? Yes, sir. So 5 × 106 is how much? 30, sir. Right. So what is under inventory balance? What is under inventory balance is 530. So that is for 5 units costed at rupees 106. So 5 × 106 gives us 530. So that is our inventory balance. Okay. Sir means जो भी 1st August को खरीदा था वो सब बेच दिया 10 units. और जो ऑगस्ट 3 को खरीदा था उसमें से 15 में से सिर्फ 2 ही बिक पाए, तो वो पर यूनिट का जो कॉस्ट बिक पाए. हां 10 बिक पाए. तो वो पर यूनिट का 106 था, इसलिए जो 5 बचे तो 106 की कॉस्ट के साथ में उसको मल्टीप्लाई करके इतना अभी भी बाकी है इन्वेंटरी में, मतलब उतना बैलेंस बाकी है और उतने यूनिट्स बाकी है, 5 यूनिट्स. परफेक्ट, यही है इसका मतलब कि 5 बैलेंस बाकी है और उसकी अब जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 106, और इसलिए 530 मेरा इन्वेंटरी बैलेंस है. और मैंने बेचा क्या, 10 यूनिट मैंने ऑगस्ट 1st के बेचे और 10 यूनिट मैंने ऑगस्ट 3rd के बेचे. तो मैंने वंस आई हैव सोल्ड फॉर ऑगस्ट 1st 10 यूनिट्स, दैट इज 10 × 91, दैट इज 910. दिस इज अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाउ, राइट? सो दैट इज 10 × 91, 910. एंड देन इट इज 10 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 3rd व्हिच वर कॉस्टेड एट 106. सो 10 × 106 मेक्स इट 1060, राइट? I simply add these two, so I get 1970, yes, right? Sir. So
That is what is said. The cost of goods sold for August 14 sale is, this is cost. Cost of goods sold is 1970, right? After this sale, there are 5 units in inventory, which is the total of which is 530. This is 5 into 106. First scenario clear hua? First in, first out कैसे कर रहे हैं? हमने जो पहले आया था August 1st को हमने वो out पहले किया. Yes, sir. Clear to everybody? Yes, sir. दोनों का एड बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखो 10 यूनिट थे 91 के तो 910 के हुए 10 यूनिट्स फिर 10 यूनिट्स थे 106 के तो वो हुए 1060 के 1060 को मैंने एड किया 910 से तो मेरे को मिला 1970 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नीचे हाँ प्लीज तो आई एम नॉट गेटिंग कि तुम्हारा 5 यूनिट जो रिमेनिंग है वो 106 कैसे कॉस्ट कर रहा है आई एम स्टिल नॉट गेटिंग दैट ऑन ऑगस्ट 3rd व्हाट डिड यू प्रोक्योर मतलब एट व्हाट कॉस्ट डिड यू प्रोक्योर दिस 15 यूनिट्स यू प्रोक्योर्ड 15 यूनिट्स ऑन ऑगस्ट 3rd व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑन ऑगस्ट 3rd 106. How many did you actually sell on August 14 from these 15 units? How many did you sell? 10 of them. 10. So how many are left? 5. And at what cost? So that's what I'm not getting. See, 50. If you procured 15 at 106 and you sold 10, so 10 means 10 is gone out, right? So what is remaining is 5. So if you actually procured it at 106, all 15 of them, and 10 are out, even the 5 which are remaining would have been procured at 106 only, no? It is basically, matlab aapne, it be less than 106. Why exactly 106? Because you procured them at 106. Aapne August 3rd ko usko 106 pe to procure kiya. 106 ek ki cost hai na? 15 में से एक की कॉस्ट 106 है दीस आर दिस इज कॉस्ट पर यूनिट दिस इज कॉस्ट पर यूनिट सो इफ इसको और किसी तरीके से समझा सकता हूं मैं सपोज व्हाट डू यू लाइक Like in the sense, chocolates, toffees, something like that. You must be liking something. Hello. So we can take the example of gold because it's increasing day by day. You want to take example of gold? Okay. So that would be a good example. ठीक है चलो okay so gold is around 50,000 rupees per 10 grams right so suppose I procure 20 grams of gold today. Right, and 20 grams of gold would be how much for me as of now? 1 lakh rupees, right? अब ये समझ जाना क्योंकि किसका डाउट था मेरे को नाम नहीं पता बेटा लेकिन try and understand. If suppose I procure 20 grams of gold today, which will be approximately 50,000 rupees per 10 grams, so the total cost which I'll incur would be 1 lakh rupees, right? Out of that 20 grams. If suppose I sold 5 grams forward, I actually sold 5 grams, right? I do not know at what price I sold it, but I sold off my 5 grams, right? What was the cost of that 5 grams to me? 25,000. So 25,000 worth of gold is gone out of my inventory, right? This is my cost of goods sold, right? What is left with me? 15 grams. 15 grams gold is there with me. Now, what was the cost of this 15 grams? 75,000. I'm still costing this at 50,000 rupees per 10 grams. 75,000 is what is my inventory balance. Same way here, 106 is the cost. Right, for 15 units.
10 units went out at 106, I'm left with 5 units. So 5 units would be costed at what price? Oh, what cost? Not price. What cost? In 5 unit ki cost kya hogi per unit? 106? Yes, sir. Anna? Clear? सबको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. It's clear now. So my inventory balance is now 530, which is 5 units costed at 106. The cost of goods sold, 10 units from August 1st, they were costed at 91. 10 units from August 3rd, which is costed at 106. So 10 into 91 gives me 910. 10 into 106 gives me 1060. So 1970. This is my cost of goods sold, right? अब अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ी सी स्पीड पकड़े चलेगा? ठीक है, तो तीन चीजें हमें पता करनी थी जिसमें से दो अभी हमारे सामने हैं. अभी तक हमने एक सिनेरियो लिया है. वी हैव मेड द फर्स्ट सेल फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड वॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. That is what we have applied, and we have made our first sale, which is on August 14, right? Now we go to second sale. Second sale was on August 31st, right? Between August 14 and August 31st, we made two procurements, right? कौन कौन सी dates को हमने procurement की था? किया था? 17 or 28. Right. So on August 17, we procured 20 units at 115. And on August 28, we procured another 10 units at the rate 119, right? So the value of inventory which was procured on 17th was 2300. This 2300 is 20 into 115. The value what we procured on 28th was 1190. This was 10 units all valued at 119 per unit. So I add these two plus what was remaining of previous transaction, 530. So when I add these two and 530, I get 4020. So before the sale on August 31st, my inventory balance is 4020. And now how many units do I have with me? How many units do I have with me? Thirty-five, perfect. So now I have 35 units with me, and they are valued at 4020. Right. Now I make the sale. It is still first in, first out. Right. So which will go out first? कौन सा first जाएगा? जो five बचे हैं पहले. जो पहले third वाले. मुझे लगता समझ में आ गया सबको. जो पहले के पांच बचे हुए हैं वो सबसे पहले बाहर जाएंगे. सो द फाइव विच वर लेफ्ट इनिशियली दे गो आउट फर्स्ट. दे वर कॉस्टेड एट 106. द टोटल सेल विच वी वर सपोज टू मेक इज ऑफ 23 यूनिट्स. सो आई स्टिल नीड 18 मोर यूनिट्स, राइट? आई टेक दिस 18 मोर यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 17. क्लास मिस हो जाएगी. एक मिनट. आपकी क्लास ओके अभी लगाते हैं. रुको. सो देन द नेक्स्ट 18 यूनिट्स वी टेक फ्रॉम ऑगस्ट 17, राइट? एंड व्हाट वुड रिमेन वुड बी 2 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 17 एंड 10 यूनिट्स फ्रॉम ऑगस्ट 31st.
आउट हो गएगा सर, बेबी का वो कर रहे हो ना, क्लास अटेंड करा रहे होंगे। हाँ यस यू आर राइट, बच्ची की क्लास चल रही है ना, उसकी नर्सरी की चल रही है, बताओ ऑनलाइन क्लासेस फॉर नर्सरी। सर ना पाउट हो रहा तो हैं क्या ऋषभ, आप जैसे कुछ इंटरेस्टिंग सा समझा रहे होते हो ना उसी। हाँ मैं भी सर ये बोलने वाला था, जब भी लिंक बनना शुरू होता है ना उसी टाइम आप ब्रेक कर देते हो। ऐसा हो रहा है क्या? तो चलो बिल्कुल एकदम मतलब कंसंट्रेशन एकदम पूरा बना ही होता है कि हाँ अब समझेंगे, अब बढ़िया समझा रहे हैं सर, उसी वक्त आप आउट। नहीं नहीं सर ये फिर से समझा दो ना, अब सुनो या वो शी वुड हैव अदरवाइज क्या कहते हैं उसको, क्लास की ज्यादा टेंशन हो रही थी ना। एनीवेज राइट, चलो फिर से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो अब हमने अगस्त 31 को सेल किया है ना, सो अगस्त 31 को जो हमने सेल किया है इसमें से फर्स्ट इन जो हुआ था हम सबसे पहले वही फर्स्ट आउट करेंगे राइट। सो फर्स्ट इन वाज ऑन व्हाट डेट, अब बता ऋषभ बताएगा। ऋषभ सर फर्स्ट इन वाज ऑफ थर्ड का हमारे पास वो है ना प्रोक्योर्ड है, यस सर दैट इज 5:30। यस सर यस, तो अगस्त 3rd का हमारा 5 यूनिट सबसे पहले जाएगा। टोटल यूनिट हमारे को कितने सेल करने हैं अगस्त 31 को, कितने की सेल हुई है? 23। सो इफ आई मेक एन आउट ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम अगस्त 3rd, हाउ मेनी यूनिट्स आर रिमेनिंग? 18। वेयर डू आई टेक दिस 18 यूनिट्स फ्रॉम? फ्रॉम 17th अगस्त। फ्रॉम 17th अगस्त, सो व्हाट वुड बी रिमेनिंग? From 20 units of August 17, I actually take 18 units. Now what remains? From August 17, how many units are balanced? 3. What is the balance from August 17? 3. 2. Because you have taken 18. 20 minus 18. Yes, 2. Yes, 2. Right. And on August 28, what you procured, that is entirely with you? Nothing is gone out? Sir, 12. हाँ, so total units would be 12, 2 units from August 17 and 10 units from August 28. ठीक है ना ऋषभ, यही बचेगा? Yes sir. Yes sir. ऋषभ की concentration में वापस बनने की कोशिश करता हूँ, यही बचेगा ना? मोबाइल से ना थोड़ा सा concentration में time लगता है थोड़ा सा सर, लेकिन समझ आ रहा है, आप flow में करिए सर, don't worry. ठीक है, so August 28, 10 units remaining, August 17, 2 units remaining. My inventory balance would be 2 into 115. This is from August 17 unit, August 17 units, the 2 units which were remaining. So now it has been shown in blue. You see, 230. Ye blue mein hai, 230. This is 2 units from August 17, 2 into 115. Right? So 230. ये आपके जो ब्लू में लिखी हुई है ना फिगर 230, ये अगस्त 17 के यूनिट्स हैं। ये दो यूनिट्स जो बचे हैं अगस्त 17 के, 2 into 115, 230 ये उसका है। Then from August 28, 1190 is what is left. So 1190 is of August 28 units. You add these two, you get an inventory balance of 1420. 1420 is the inventory balance, right? So this is your inventory balance. What went out? What went out was 5 units from August 3rd. This was the balance. So 5 units from August 3rd, those were costed at 106. So 530 is the cost of goods sold for the first 5 units. And then you borrowed 18 units from August 17. Right, so this 18 is costed at 115 and this 18 into 115 is 2070. So you simply add this, you get your cost of goods sold. Your cost of goods sold would be 2600. 2070 plus 530, 2600. Yes sir. Right, so repeat kajiye.
हैं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट करते हैं। सो अब हमने अगस्त 31st को जो है सेल करनी है, राइट? सो अगस्त 31st को वी हैव टू सेल 23 यूनिट्स, यस सर, राइट? सो 5 यूनिट्स वाज बैलेंस ऑफ अगस्त 3, इट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो वॉट एवर वॉज इन फर्स्ट वी एक्चुअली सेल दैट फर्स्ट, राइट? सो ऑगस्ट 3rd आई हैड अ बैलेंस ऑफ 5 यूनिट्स, आई टुक दैट एंड आई सोल्ड इट ऑफ। देन द नेक्स्ट इन विच केम टू मी वॉज ऑन ऑगस्ट 17, राइट? सो दैट टेक्निकली बिकेम माई फर्स्ट इन, बिकॉज August 3 units have been exhausted. Now the only units which I have is the earliest unit I have is for August 17, right? So I take 18 units from there, right? They're costed at 115. So 5 units get costed at 106, 18 units get costed at 115, right? Yes, sir. That adds up to 2600, and the balance which is left is 2 units from August 17 and 10 units from August 28. The blue figure is 2 units from August 17 and the red figure is 10 units from August 28. So my inventory balance is 1420 and the cost of goods sold becomes 2600. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. Okay. So this is फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं तीन चीजें बोल रहा हूँ शुरू से, आई एम ऑलवेज सेइंग कि देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच वी आर इंटरेस्टेड इन। वन इज एंडिंग इन्वेंटरी, द अदर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द थर्ड वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड आकांक्षा करना, नेक्स्ट स्लाइड, ये नोट डाउन भी करना कि इसमें दो चीजें हमें पता चल गई हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द इन्वेंट्री बैलेंस। इन्वेंटरी बैलेंस मेरा कितना आ रहा है, एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस आ रहा है मेरा 1420, आफ्टर ऑगस्ट 31st सेल माय इन्वेंटरी बैलेंस इज 1420। नेक्स्ट स्लाइड लेना आकांक्षा, ये आ गई, वेरी गुड, बस बस बस, ठीक है। सो नाउ माय एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस इज 1420, राइट? एंड माय इनकम, दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, पहले मैंने सेल जो की थी वो थी 1970 की, राइट? एंड देन आई मेड अ सेल ऑफ 2600, सो 2600 प्लस 1970 4570, हाँ, तो टोटल आएगा 4570, 1970 प्लस 2600। सो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 4570 और जो आपकी एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस आ रही है वो आ रही है 1420, राइट? ऐसे ही है? यस सर। चलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ। अब सेम सिनेरियो है, यू आर नॉट चेंजिंग द सिनेरियो एट ऑल। अगस्त फर्स्ट में आपकी बिगनिंग इन्वेंटरी है। अब इससे मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस 1420 था और हमारा जो सेल हुआ वो 4570 हुआ, आपने ये बोला ना? एंड जो इन्वेंट्री मेरे पास बची हुई है, व्हाटएवर इन्वेंट्री आई हैव लेफ्ट, आई एम लेफ्ट विद इज 1420। तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछे आपके पास कितने की इन्वेंट्री, आई कैन ऑलवेज से 1420 की इन्वेंट्री है मेरे पास। और मुझसे ये कोई पूछे कि आपने कितने की इन्वेंट्री निकाल दी, मैं बोलूंगा 4570 की निकाल दी। कौन सा मेथड? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके सर, है ना? अब सेम सिनेरियो, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। नाउ सी how these two figures will change just by simple change of technique, these two figures will change.
हेलो हेलो शायद सर पॉज हो गया ना सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पर स्टॉप है ना मैंने ऐसे ही जस्ट ट्राई किया था, मैंने सारे उनको प्लस किया जो लास्ट में वैल्यूज दी हुई थी, दैट इज 5990 और उसमें से अगर 142 मतलब अगर हम 4570 जो कि हमारा जो आई मीन होता ना हमारा कॉस्ट हो गया है ना यार, कांसेप्ट बहुत आसान है ये सच में तो, लेकिन यार ये पीपीटी से अगर ऐसा हो रहा ना तो और डिफिकल्टी हो रही है, कांसेप्ट बहुत आसान है ये वाला, वही है अगर सर सामने पढ़ाते ना हमें तो ये शायद हमें 5 मिनट में भी समझ में आ जाता। हां ये नाम से वो है जैसे हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले जो इन हुआ उसका फर्स्ट आउट हुआ और उसमें बैलेंस बचा है 1420 जो कि हमारा ऑलरेडी एंड इन्वेंटरी बैलेंस है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं यार, कोई नहीं प्रॉफिट आपका निकलेगा अगर नहीं, ये जो कह रही है ना कि इसमें कैलकुलेट किया प्रॉफिट नहीं आ रहा, अभी हमने इसमें सेलिंग प्राइस ली का है, वी हैव नॉट टेकन द सेलिंग प्राइस एज ऑफ नाउ ना, सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी 130 थी और 150 थी शायद, जो मैं बेस ले दिखा रहा था फर्स्ट है ना, तो हमें एक्चुअली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से हमारे को प्रॉफिट निकलेगा ना, ओके सो अभी तो हमने सेलिंग प्राइस कंसीडर ही नहीं किया, सो वंस वी एक्चुअली कंसीडर सेलिंग प्राइस देन ओनली विल बी एबल टू से कि प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट, एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, तो कॉस्ट से हम कर रहे हैं ठीक है। अब ये देखो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में मैं क्या करूं, अगस्त 14 में मैं पहले कौन सी चीज आउट करूं, ये आप लोग ही बताओगे मेरे को, नेम इज वेरी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, व्हाट शुड गो आउट फर्स्ट नाउ, थर्ड अगस्त राइट, सो यू स्टिल प्रोक्योर्ड थिंग्स ऑन फर्स्ट अगस्त एंड थर्ड अगस्त, बट व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग अ सेल ऑन अगस्त 14 राइट, what goes out first from August 3rd, right? So August 3rd से अब इसको out करेंगे, so you are actually trying to sell 20 bikes on August 14, right? 15 bikes go out on, 15 bikes of August 3rd go out first, and then you require 5 more, right? Those 5 more get borrowed from August 1st. राइट, तो पहले आपने आउट करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना सर। पंकज सर आपकी एक वॉइस नहीं आ रही सर, फर्स्ट एंड सर सेकंड ये वाला भी जो आप बता रहे हो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ये भी नहीं आ रहा। ओके आवाज आई, पहले तो ये बताओ। यस सर। आवाज क्लियर हुई, मैंने लैपटॉप थोड़ा सा आगे किया है। पंकज सर कैन वी हैव अ ब्रेक बिफोर लास्ट इन फर्स्ट आउट, कैन वी हैव अ ब्रेक सर? Yes, sir. At least 10 minutes break. I think you should also have, sir. Nee, I am good. But if everybody wants a break, we can take a break. Does everybody want a break? Yes or no? Yes, sir. We should continue. क्योंकि बीच में फिर lag हो जाएगा. Because sir, आप. बोलो. मैं कह रहा हूँ सर ये जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो वहीं पर स्टॉप हो गया, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का एक बार हमें दोबारा स्टार्ट करना है। अगर किसी को लगता है लैग हो रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इशू, आई विल जॉइन। चलो कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से इट्स ऑल अप टू यू सर, जैसा आप बोलो।
let's continue. I'll try to be a little slow and I'll try to be repetitive. ठीक है, let me be repetitive and let me be वो ठीक है सर, but आपका network issues थोड़ा एकदम stable करो सर, क्योंकि voice काफी वो हो रही है आपकी. करता हूँ, वो भी करता हूँ. just give me a minute. देखो यार, अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ो. और क्या, 11:40 हो गया. हाँ वो ठीक है, ज्वाइन से ही होना चाहिए ना. Joints ही होना चाहिए. Joints ही नहीं हो रहा मेरे ख्याल से. Joints ही होगा अगर होगा तो. देखो अगर कर सकते तो ठीक है, नहीं तो लेट भी. चलो एक मिनट, मैं पहले अपना नेटवर्क स्टेबल करूँ ना. ऋषभ यही कह रहा है, लेट मी गो टू द अदर एंड, मे बी इट स्टेबलाइजेस देयर. मुझे ये बताओ कि वॉइस क्लियर है. हेलो, वॉइस इज क्लियर? यस सर. यस सर. नो सर. एब्सोल्युटली क्लियर? यस सर. अब क्लियर है. ओके, क्लियर है ना. ठीक है, चलो अब ये देखो. फर्स्ट इन मैं जो अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, पहली चीज तो ये है, वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन दोज थ्री थिंग्स. कौन सी तीन चीजें थी जिसमें हम इंटरेस्टेड थे? Which three things? आप लोग बताओगे मेरे को. Cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold. Gross profit. Inventory. Gross profit. Gross profit. Inventory balance. Ending inventory balance. We are still interested in these three things, right? We are actually interested in cost of goods sold. We are interested in gross profit. We are interested in ending inventory balance. One scenario, we are running three techniques on that one scenario, right? We actually ran first in first out first, right? First in first out mein, mera ending inventory balance aaya 1420. Likha hai kisne? Yes. So mera ending inventory balance first in first out mein aaya 1420. Aur mera cost of goods sold aaya 4570. Right? 4570. 4570. So my cost of goods sold has been established 4570. My cost, my ending inventory balance has been established, which is 1420. Right? Now I'm running the same scenario with last in first out. My question to you was ki August 1st ko bhi aayi, August 3rd ko bhi aayi. We are again making a sale on August 14. Where would my first, matlab, where would the units be taken from first now? मतलब बिकॉज इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, वॉट एवर केम लास्ट इन वी विल टेक द यूनिट्स फ्रॉम दैट प्लेस. द लास्ट इन नाउ वॉज फ्रॉम ऑगस्ट 3rd, राइट? ऑन ऑगस्ट 3rd आई रिसीव 15 यूनिट्स. सो व्हेन आई एम मेकिंग अ सेल ऑफ 20 यूनिट्स ऑन ऑगस्ट 14, माई 15 यूनिट्स ऑफ ऑगस्ट 3rd विल गो आउट फर्स्ट, राइट? सो I actually am taking 15 units from August 3rd. I'm still not done with 20 units. I still require 5 units more. I'll take these 5 units from August 1st. And what will remain? Ab kaun se units kahan ke kitne cost pe bachenge? 5 units. 5 units bachenge, that is 4, 5, 5, 9, August 9, 1, 0. So 5 units of August 1st will remain, which will be costed at 91 rupees, right? This is what will happen with last in first out. Next slide pe exactly yahi dikhaya gaya hai. Next slide le, Akanksha, can we take the next slide?
right? So now you have taken 15 units from August 3rd, which is costed at 106. You have taken 5 units at from August 1st, which is costed at 91. So now the total cost of goods sold on this particular day, August 14, is 1590. This is from your August 3rd. And 5 into 91, 455. This is from your August 1st. 2045. So if you add this total, you get 2045. So your total cost of goods sold on August 14 is 2045. What remains is 5 units of August 1st. So 5 units into 91, you get 455. This is what is the balance, right? Now, if I consider going forward, it is last in, first out. There would be two more purchases, which is done on August 17 and August 28, right? And the next sale happens only on August 31st, right? So it's last in, first out. Sabse pehle main kaun si units consider karunga? Last in kaun sa hua ab hamara? 28. Last in ab hamara hai 28. So I consider units from 28, which is 10. How many am I selling? 23 units, right? So I take 10 from 28. 10. How many should I take from August 17 now? 13. Perfect. So I take 13 from August 17, right? So 10 units at 119. This is from your August 28. And then 13 units from August 17 at the rate 115. August 17 ki kitni units bachi? 7 units bachke. 7 units. Aur isse pehle mere paas kitna balance tha? 5 units kiski thi? August 1. August 1st. August 1 ki. So now this blue 455. Ye 455 hai na? 455 is from August 1st. This is 5 units at 91. And then this 7 units, 7 into 115, this is from... Ye 115 into 13 nahi hoga. That is 1495, huh? Haan, yehi hoga. Sir ne 7 bola na abhi, isliye maine puchha. Nahi, wo to left mein jo sir bol rahe hain. 7 hoga. Hame left mein pat gaya hamari. 20 minus 13. Okay, okay. Okay, left ka. So now your inventory balance is 1260. This 455 audible na? Ya nahi ab? Yes sir. So audible, not audible? Audible sir. Audible sir. Audible na? Audible sir. So audible. Okay. So now the inventory balance which is there, it is 1260. First in, first out mein kitna tha? इन्वेंट्री बैलेंस कम हो गया, मतलब कम हो गया इन द सेंस आपने टेक्निक ऐसी यूज की जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपका इन्वेंट्री बैलेंस अब कम है. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था वहां पे? 4570. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 4730. Just by the change of technique, suddenly your cost of goods sold becomes more and your inventory balance becomes less, right? This is happening because of lot of things. Lot of things means cost aapka continuously increase kar raha hai. You are actually using a different method. Aap pehle first in first out kar rahe the, phir last in first out kar rahe ho. So depending on the general industry practice, depending on the situation you are in, you can actually use first in first out also. You can use last in first out also. Your inventory balance would be different and your cost of goods sold would be different. Difference appreciate kar pa rahe ho? Sir, can you give us example of industry where FIFO and FIFO are being used? Okay. So see, what happens is the first principle is the inventory which you are holding,
should not go bad, right? You're not audible. See, first principle, ab audible hai na? Are you hearing us? Yes, sir, now we can. So, the first principle is inventory management, right? So, inventory should not go bad. Aisa nahi hona chahiye ki aapke paas pade pade aapki inventory kharab ho rahi hai, right? So, if you're actually talking about pharmaceuticals, pharmacy, right? If you're doing that, then definitely you'll have to follow first in first out just because of expiry. Actually pharmacy mein ek aur special technique bhi hoti hai which is called as first expiry first out, right? So if suppose your expiry matlab if the expiry is nearing, you'll have to out it first from your inventory so that it does not go bad. In particular industries wherever it is perishable items, जहां पे भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जनरली वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हैं, राइट? बिकॉज जो मैं आपको बता रहा था बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इन्वेंट्री आपकी खराब नहीं होनी चाहिए. जहां पे आपको इन्वेंट्री होल्ड करने का फायदा होता है, राइट, देयर यू यूज लास्ट इन फर्स्ट आउट. ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारे को इन्वेंट्री होल्ड करने का फायदा भी हो जाता है, जिसमें पुरानी चीज एक्चुअली बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, राइट? Like rice, the older the rice, the more expensive it is, right? So if suppose you have a limited inventory space and you can hold only x kilos of rice, you would like to hold the older rice. Rice aap jitna naya hoga utna aap nikalte rahoge, right? Aur purana wala aap hold karoge. So you are using actually last in first out. So your inventory value, inventory to hum cost pe kar rahe na, तो ये वैल्यू तो जो है वो रहेगी लेकिन इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी. इट्स मार्केट प्राइस विल गो अप, राइट? सो इवेंचुअली व्हेन यू आर सेलिंग इट द प्रॉफिट विल बी मोर. एज आई वाज टेलिंग यू प्रॉफिट वुड बी प्राइस माइनस कॉस्ट. यहां पे तो अभी तक हम सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे थे, राइट? एनी अदर इंडस्ट्री वेयर यू कैन होल्ड इट एंड यू कैन इंक्रीज द प्राइस, लास्ट इन फर्स्ट आउट बिकम्स मोर सेंसिबल. एनी इंडस्ट्री वेयर यू होल्ड द इन्वेंट्री एंड द इन्वेंट्री गोज बैड, first in first out makes more sense. Clear was it? Sir, yes. In fact, thoda last in first out any other example sir, we can have. Because rice is again sir, because the moment you sell new rice, the profits will go down. And so in any case, because people will pay price for the vintage of rice. Like as in the case of wine. Wine is again a good example. So wine also people would like to hold their older inventory when it comes to wine. So maybe the price goes up as you hold. So the idea is the price should go up if you're holding the older item. That should be the idea. So, okay. Right? Going by this logic, you can think about industries. आप भी सोच सकते हो. मैं मतलब मेरे को मेरे दिमाग में last in first out की I think wine and rice comes immediately. मैं सबसे पहले वही समझ में आता है. बाकी ऐसी कोई भी industry जिसमें hold करने से price बढ़े, I think you can always use last in first out, right? Sir, there can be one example wherein storage can be one of the guiding factor. Because what is in front, you take it out first. So storage would always be a considering factor. मतलब वो storage तो चाहे कितनी भी बड़ी भी हो तब भी limited ही होगी ना. मतलब you can have large warehouses also, but it will always be in relation to something. So आप बड़ी storage से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. I think the type of industry would matter much more. अगर COVID की vaccine का example लें तो अगर हम उसे अभी hold करके रखें तो उसको मतलब price
तो वो तो कोविड की अगर वैक्सीन का एग्जांपल लें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर रीजंस. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस जैसे जैसे आती जाए लगाते जाओ, राइट? देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग इट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस. वन, इट इज सोशल वेलफेयर. सेकेंड, आई एम श्योर वैक्सीन ऑल्सो हैज एन एक्सपायरी, राइट? तो आप एक तो वैसे ही वो सोशली रिक्वायर्ड है. दूसरा क्या कहते हैं, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल गो बैड, तो किसी के काम भी नहीं आएगी. कोविड का अगर वैक्सीन का एग्जांपल लूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विदाउट एनी डाउट, राइट? ओके, यस सर. हाँ पूछो बेटा, एनीथिंग एल्स? एनीवेज, नाउ वी आर कमिंग टू एवरेज कॉस्ट मेथड. हम सेम सिनेरियो अब हम वेट एवरेज कॉस्ट मेथड पे लगाएंगे, विच इज द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड. सो एवरेज कॉस्ट मेथड सेज दैट वी विल नॉट कॉस्ट यूनिट्स डिफरेंटली, राइट? वी विल टेक द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, we will take their total cost, we will divide the total cost by the total units available for sale every time we make a sale, right? aap jab bhi sale kar rahe ho, whatever number of units are available for your sale, you count that. Whatever is the total cost of these units, you take that, you divide this total cost by the total number of units, you get one average cost per unit. You get average cost per unit, right? समझाता हूँ मैं, वही तो समझा रहा हूँ कि then you get an average cost per unit. मतलब if suppose you have procured it 2-3 times, right? आपने सेल से पहले, so every time before a sale, आपने जितनी बार भी प्रोक्योर किया है, you calculate the total number of units. कि आपने एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, आपके पास इन्वेंट्री में सामान आया, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आए, राइट? सो वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो ऐड करो, उनकी टोटल कॉस्ट ऐड करो, टोटल कॉस्ट जितनी आएगी उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से. ये जब आप कर देते हो एक्सरसाइज, दिस हैज टू बी डन बिफोर एवरी सेल, राइट? वंस यू डू दिस एक्सरसाइज, यू गेट वन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, right? And then you use this average cost per unit to make an out also, and to and you apply this cost to what remains in also. Same scenario ko ek bar run karke dekhte hain, main aapko batane ki koshish karta hu jo main keh raha hu, right? So total cost divided by total number of units, scenario wapas run karte hain. Dekho next slide mein same scenario hai for average cost, right? नेक्स्ट स्लाइड आकांक्षा, दिख नहीं रही नेक्स्ट स्लाइड. सो सी, ऑन ऑगस्ट 1st यू हैड 10 यूनिट्स, ऑन ऑगस्ट 3rd यू अगेन प्रोक्योर्ड 15 यूनिट्स. सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज 10 प्लस 15, इट्स 25. ऑन ऑगस्ट 1st व्हेन यू हैड दीज 10 यूनिट्स, यू हैड देम एट अ कॉस्ट ऑफ 910, राइट? दे वर प्राइस्ड एट 9 rupees per unit, the cost was that, right? On August 3rd, we procured 15 units, we procured them at 106, and the the cost of these 15 units was 1590. When you add the total, you get the total cost as 2500. So now your total cost is 2500, your total number of units is 25. 2500, I divide it by 25, I get my cost as 100 rupees per unit, right? So now everything which goes out at 100 rupees per unit, and whatever stays in at 100 rupees per unit. जो भी बाहर जाएगा वो total नहीं करेंगे. Means, आपने बोला 10, मतलब 91, तो 1 यूनिट का वैल्यू है ना 91, तो हां, तो किया ना 910 लिया, 91 एक यूनिट का था,
10 यूनिट का कितना हुआ 910 910 पे जो नेक्स्ट मेरा इन था वो कितना था 15 यूनिट और 106 पर यूनिट 1506 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज गिविंग मी व्हाट 1590 यस सर 1590 प्लस 910 ओके 2500 है ना हम तो सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैं ये कह रहा हूँ हमने वो टोटल किया है बेटा जो आप कह रहे हो वो हमने किया है वी हैव एक्चुअली मल्टीप्लाइड हमने पहले 10 यूनिट लिए 910 के फिर हमने 15 यूनिट लिए 106 के पहले जो मेरा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आई वो आई 910 जो अगस्त 3 को मेरी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आई वो आई 1590 मेरी टोटल जो इन्वेंट्री कॉस्ट अब बैठ रही है वो 2500 बैठ रही है सो माई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट नाउ इज 2500 and my total units which are available for sale are 25 so 2500 divided by 25 is giving me 100 rupees per unit so whatever goes out now goes out at 100 rupees per unit and whatever stays in at 100 rupees per unit aise hi hai okay sir yes you can right next slide pe dekhiye this is what we have exactly done So what was the sales? हमने कितने आउट किए थे हमने 20 बेचे थे राइट सो ऑन ऑगस्ट 14th आई थिंक वी सोल्ड 20 सो वेन वी सोल्ड 20 वी सोल्ड देम एट 100 रुपीज सो आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिकम्स 2000 राइट सो आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिकम्स 2000 एंड वॉट रिमेन्स इज 500 दिस इज 5 And each unit now is costing 100 rupees. So 500 is what remains. Right. Now additional purchases are made on August 17 and 28. Now you will be making a sale only on August 31st. So we do this exercise every time before a sale. Right. So, अब आप मेरे को बता पाओगे इसमें कि कितना आएगा average cost per unit? How many units available for sale? टोटल कॉस्ट ऑफ दी 35 यूनिट्स इसमें अभी 35 बेटा मैंने अगस्त 17 को 20 यूनिट्स लिए अगस्त 28 को 10 यूनिट्स लिए तो 30 तो यही हो गए अगस्त 17 के 20 अगस्त 28 के 10 और मेरे पास पहले के 5 बचे हुए थे अगस्त 14 के सेल के पहले के 5 बचे थे सो 20 प्लस 10 30 प्लस 5 रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस बैलेंस सो 35 इज द यूनिट्स व्हिच वाज is 3990 खरीदे पांच मेरा प्रीवियस बैलेंस है स्लाइड देखो स्लाइड पे लिखा हुआ है इन्वेंटरी बैलेंस ऑफ 14th ऑगस्ट इज 5 यूनिट्स ऑफ 17th ऑगस्ट इज 20 यूनिट्स ऑफ 8th ऑगस्ट इज अवेलेबल फॉर सेल इज 30 में लिखा हुआ है ना सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो स्टेबल दिखा रहा है सबके साथ ये आवाज नहीं आ रही सर यस सर मेरे साथ भी हो रहा है यस सर एक्चुअली में सर आपका जो अभी भी नहीं आ रही तो जो आपके दो वाईफाई है ना उसमें से आप एक को डिसेबल करके एक को कनेक्टेड रखो एक को डिसेबल कर दो आप फॉरगेट करके कर दिया मैंने ठीक है बेटर है सर नहीं सर अभी भी ब्रेक है अ
हेलो यस सर यस सर बेटर बेटर यस सर बेस्ट ओके ठीक है मैं ये कह रहा था कि सो नाउ वी हैव 35 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल मैं सेकंड सेल की बात कर रहा हूँ अब आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड सेल नाउ सो वी हैव गॉट 35 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल द कॉस्ट ऑफ दीज 35 यूनिट्स इज 3990 हाउ 3990 ऑगस्ट 28 को 11190 का हमने परचेज किया है ऑगस्ट 17 को हमने 2300 का परचेज किया है 500 का मेरा पहले का बैलेंस था सो 500 प्लस 2300 प्लस 1190 विल गिव मी 3990 सो ये मेरी टोटल कॉस्ट है 3990 3990 को मैं डिवाइड करूं 35 से तो आई गेट 114 राइट नाउ दिस 114 इज माय एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर सिंगल यूनिट सो व्हेन आई एम एक्चुअली मेकिंग अ सेल ऑन ऑगस्ट 31st फॉर दोस 23 यूनिट्स ऑन ऑगस्ट 31st वी वर एक्चुअली सेलिंग 23 यूनिट्स सो नाउ 23 यूनिट्स विल गेट सोल्ड एट 114 एंड 12 यूनिट्स विल रिमेन 12 यूनिट्स विल रिमेन एट एंड देयर दे विल बी कॉस्टेड एट 114 सो नाउ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ऑगस्ट 31st इज 2622 This is 23 into 114 and my ending inventory is 12 units. 12 units would be costed at 114. So that will be 1368. Sir, कुछ समझ नहीं आ रहा सब गड़बड़ हो गया. गड़बड़ कैसे हो गया? 114 तक समझ में आ गया? 114 कैसे निकल के आया समझ में आया? ये समझ में आ गया ना तो जो अब आपने 23 तो सर अब जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है 23 यूनिट एट 150 तो ये अब हमारे को कोई इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है 150 वाला जो है 150 बेटा सेलिंग प्राइस है वो तो अभी आएगी पहली चीज और वो तो फर्स्ट स्लाइड में थी यहाँ पे 150 कहाँ पे लिखा हुआ है नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ जो हमने फिर 150 सेलिंग प्राइस है वो उस पे हमने बेचा है वो अभी आएगा सेलिंग प्राइस अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट कहीं निकाल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रॉफिट तो निकल ही नहीं सकता सेलिंग प्राइस से वो आप सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हो वो अभी सेलिंग प्राइस से हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालेंगे राइट अभी हमने सिर्फ इतना निकाला कि 1 यूनिट जो है वो 114 की है राइट जितना भी हमने परचेज किया था उन सब में से हाँ लेकिन हमने ये भी साथ में दो दो चीजें निकालते हुए जा रहे हैं हम इन्वेंट्री बैलेंस निकालते हुए जा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हुए जा रहे हैं राइट सो 114 जब मेरा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आया एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग अ सेल ऑफ 23 माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिकम 23 इंटू 114 एंड व्हाट माय इन्वेंट्री बैलेंस इज 12 यूनिट्स एट द रेट 114 सो 12 into 114 is my inventory balance and 23 into 114 is my cost of goods sold theek hai sir 12 kahan se aaya 12 35 minus 23 35 aapke paas the bechne ke liye 23 aapne beche to kitna bacha 12 theek hai na So 35 minus 23, 35 is what was available for sale and 23 is what you sold, right? Ab iska dekho summary jo sheet hai. Ab isme dekho kitna aa raha hai total, ab inventory balance mera aa raha hai 1368, right? My inventory balance is 1368. The total cost of goods sold is 2622 plus 2000. 2622 plus 2000. So 4622. Right. So this is somewhere in between. In the given scenario, अगर आप ये first in first out देखोगे और last in first out देखोगे, average cost method आपका कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा. ऐसे ही है? Yes sir. Average cost method would be somewhere in between. Right. Yes, sir. Yes, sir.
in terms of cost of goods sold and inventory balance, this lies somewhere in between. अच्छा now this अभी तक जितनी भी working की आपने उसमें से हर technique से all pricing methods which you used, you were able to calculate two things. One was cost of goods sold. The other thing was balance sheet inventory. एक चीज रह गई, वो रह गई क्या? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें कैलकुलेट करना है. आई टोल्ड यू अगर सेलिंग प्राइस दी हुई है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. राइट क्या इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है? सोल्ड है सेल्स यस सर दी हुई है. सो 20 यूनिट्स आर गेटिंग सोल्ड एट 130. तो कितना फर्स्ट सेल का कितना टोटल सेल कितनी हुई फर्स्ट सेल की? 20 into 130, सो दैट मेक्स इट 2600. तो जो अगस्त 14 को आपने सेल किया है दैट टोटल सेल वैल्यू इज 2600. अगस्त 31st को जो आपने सेल किया है वो कितना हुआ? दैट इज 23 यूनिट्स एट 150. यस सर 3450 3450. राइट इन दोनों को अगर हम एड करें तो मेरे को टोटल सेल्स फिगर मिल जाएगी. yes, मिलेगी. टोटल सेल्स फिगर कितनी है सर? एक बार प्लीज रिपीट कर दो. मैं अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ. अभी तक हमने जो किया वो किया, मैं ये कह रहा हूँ हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं. हमने वो सारा कितने पे बेचा? राइट तो अगस्त 14 को हमने बेचा 130 पे. सो उस दिन हमने कितने यूनिट्स बेचे? 20 यूनिट्स बेचे. सो 20 into 130 मेक्स इट 2600. राइट देन वी सोल्ड 23 यूनिट्स ऑन अगस्त 31st विच वर एक्चुअली प्राइस्ड एट 150. This came to 3450 plus 2600. मैं total sales value की बात कर रहा हूँ. मैंने कितने पे बेचा? 3450 plus 2600 becomes 6050. ऐसे ही होता है? Yes, sir. तो अब last slide देखते हैं. देखो इसमें last slide, कांक्षा last slide ले ले and then we'll conclude. ठीक है? So now total sales is 6050. आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सुबह से आप वही कैलकुलेट कर रहे हो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपने कैलकुलेट किया था 4570. लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपने कैलकुलेट किया था 4730. राइट एंड एवरेज कॉस्ट मेथड वाज समवेयर इन बिटवीन. सो इट वाज 4622. और ये भी मैंने सुबह डिस्कस किया था, सेल्स माइनस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल गिव यू योर प्रॉफिट. 6050 पे आपने बेचा और इंडिविजुअली आपने जो मेथड यूज किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस हिसाब से कैलकुलेट की, आपको उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट मिला. सो इन केस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट द प्रॉफिट विच इज शोन इज 6050 माइनस 4570. सो इट गिव्स यू 1480. In case of last in first out, 6050 is the sales. You subtract your cost of goods sold, which is 4730. So gross profit is 1320. Right? In your weighted average cost method, 6050 minus 4622, you get 1428. This is your gross profit. अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना भी आता है. अब ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सारी वर्किंग होती है. ग्रॉस प्रॉफिट से हमने माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमने उसमें क्या कहते हैं माइनस किया इनकम टैक्स. इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया हुआ है एंड दिस इज कमिंग टू ऋषभ्स क्वेश्चन कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क है. तो हमने इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, हमने जो इनकम है इनकम टैक्स है, इसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है 30% है. सो हमने वो जो है वो माइनस किया. वी एक्चुअली कैलकुलेटेड आर इनकम बिफोर टैक्सेस एंड देन वी कैलकुलेटेड आर इनकम टैक्स. राइट वी सब्ट्रैक्टेड आर इनकम टैक्स एंड
we came to a net income. So it was the same scenario. ऐसा नहीं है scenario फर्क था. The only thing is we used different techniques and because of usage of different techniques are that there is a certain difference in net income. If you ask me which technique is better, which you should use, I would say all techniques have their specific purposes. हर technique अच्छी है. कुछ industries में कुछ techniques apply करते हैं, कुछ industries में कुछ technique apply करते हैं. As we were discussing in between, कि अगर perishable industry है, inventory खराब हो रही है, तो we will use first in first out. Pharmacy है, drug store है, expiry होने वाली है drugs की, first in first out. Last in first out, अगर suppose you actually have an industry where holding makes the price go up, you will actually use last in first out. And average cost method is generally somewhere in between. So somewhere in between is your average cost method. ठीक है? So ये आपके कुछ methods of pricing हैं जो हमने जिनकी हमने working देखी. So we saw first in first out, we saw last in first out, and we saw average cost method. Doubt, questions, anything जो अब समझ में ना आया हो? सर अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बाद में ही पूछूंगी प्रैक्टिस करने के बाद. क्यों, क्या हो गया सर? लास्ट का कुछ समझ नहीं आया मुझे सर. एवरेज वाला, एवरेज वाले में यू एक्चुअली टेक द नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल बिफोर एवरी सेल. आप हर सेल से पहले यू एक्चुअली सी हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल टू यू फॉर सेल. आपके पास कितने यूनिट्स हैं. Then you see what is the total cost of these units. ये units जो मेरे पास available for sale हैं, इनकी total cost कितनी है? Then you actually divide this total cost by the number of units. You get an average cost per unit, right? And then you use this average cost per method, cost per unit. Then you use this average cost per unit to actually retain or exit the stock. मतलब आप उतने ही cost पे उसको exit करते हो, उतने ही cost पे उसको retain करते हो. First example में 20 units थे हमारे पास, right? So हमने 20 units की average cost निकाल ली कि कितनी थी. ऐसे किया था. Second में हमारे पास 35 units थे, तो हमने 35 units की average cost निकाल ली. नहीं, क्लियर नहीं हुआ. ऋषभ सर क्लियर है? नहीं है सर. क्लियर हो जाएगा सर शाम तक आज. हाँ सर, नहीं पता वो 114 आपने बोला था ना उसके नहीं, बाद क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. सर नहीं, मैं बताऊँ सर, बीच चीज में सर मैं दो रीजन, एक तो सर ये मोबाइल से ना मैं स्लाइड्स काफी ऊपर नीचे देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा ये है सर मैं शाम तक इसलिए बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि जब मैं दो तीन बार वीडियो वॉच कर लूंगा ना मेरे को पूरा समझ आ जाएगा सर. ये एक्चुअल में सर ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे इसको समझाते ना तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, 5-10 मिनट्स में आ जाता. बट सर पीपीटी से आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, बट इट्स ओके सर, हो जाएगा सर. ये कोई प्रॉब्लम होगी सर मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा सर. डन वो तो क्या कितनी बार भी पूछो वो कोई इशू नहीं है. सर कल पूछेंगे ना डाउट में, अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जो डाउट निकलेंगे वो आपसे कल पूछ लेंगे. जैसे कल ईओक्यू का कांसेप्ट था सर, वो मैंने 3 बार वीडियो देखी, मेरे पास अब पूरा दिमाग में बैठ गया सर वो. अब सर ऐसी इसकी भी 2-3 बार वीडियो देखूंगा पूरा दिमाग में बैठ जाएगा सर ये भी. आउट हो गया सर. मैं कह रहा हूँ हमारे यूनिट 7 जो है ना, यूनिट 7 आज हमारा कंप्लीट हो गया है. आवाज आ रही है? हेलो यस सर, आ रही है. सर कैन आई स्टॉप शेयरिंग दिस साइड? हाँ प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट. थैंक यू. यस सर, थैंक यू. मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो गया है. वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 7. ओके, 7 कंप्लीटली. ठीक है, टेक योर टाइम, गो थ्रू यूनिट 7 कंप्लीटली, ट्राई प्रैक्टिस वॉट एवर इज गिवन एज सॉल्व एग्जाम्पल्स. सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसमें लास्ट में, राइट? सो ट्राई प्रैक्टिस द सॉल्व एग्जाम्पल्स, राइट? एंड वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड इट देयर विल बी डाउट्स. टुमारो मॉर्निंग वी स्टार्ट विद डाउट्स.
ठीक है, टुमारो मॉर्निंग वी स्टार्ट विद डाउट्स ऑफ यूनिट एंड हां जी सर, इसमें मैक्सिमम लेवल और क्या कहते हैं रीऑर्डर्ड लेवल वाले भी क्वेश्चंस हैं, एक है बस, एक है ना बस, हां मतलब हां यस सर एक है, ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग वो इग्नोर मार, बट विल डू दैट आल्सो, बट एज ऑफ नाउ देयर इज वन क्वेश्चन वो यू कैन इग्नोर व्हाट ही इज सेइंग, देयर इज वन क्वेश्चन ऑफ ईओक्यू इन व्हिच मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, एवरेज इन्वेंटरी लेवल एंड मिनिमम इन्वेंटरी लेवल इज गिवन, राइट, वो वाला क्वेश्चन हमने अभी तक किया नहीं, वॉइस क्लियर, सर वॉइस क्लियर नहीं है बेटर यस सर यस सर, देयर इज वन क्वेश्चन इन द हैंडबुक व्हिच टॉक्स अबाउट मैक्सिमम इन्वेंटरी मिनिमम इन्वेंटरी एंड एवरेज इन्वेंटरी, राइट, एज ऑफ नाउ इग्नोर दैट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू डू इट फॉर इंटरेस्ट यू कैन डू इट, बट इग्नोर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड अदर देन दैट क्वेश्चन यू गो थ्रू द होल यूनिट, ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर टू या थ्री है वो सॉल्व एग्जाम्पल्स में, बट यू कैन सेफली इग्नोर इट फॉर द टाइम बीइंग, राइट, एंड यू कैन प्रोसीड विद द यूनिट अदर देन दैट, एंड वी विल टेक अप ऑल द डाउट्स टुमारो मॉर्निंग, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, राइट, आधा घंटा एक घंटे में डाउट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगे, आधा घंटा लगेगा एक घंटा लगेगा जितना भी लगेगा, बट डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आधे घंटे में, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस कौन सा यूनिट है, आई थिंक यूनिट 5 है, यूनिट 5 है, यस सर, तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, ओके, सो एज ऑफ नाउ क्या कहते हैं विल कॉल इट अ डे, यूनिट 7 पढ़ना है आप लोगों ने, ओके, यस सर, ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो टेक केयर, बाय, आई एम एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू, टेक केयर, कल सुबह मिलते हैं, ओके, बाय, हेलो, कुछ बोलना है, ओके, बाय,